गुड इवनिंग स्टूडेंट। गुड इवनिंग मैम। हेलो 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 गुड इवनिंग स्टूडेंट। 5 मिनट्स में हम क्लास स्टार्ट करेंगे। ओके मैम। गुड इवनिंग स्टूडेंट। फाइव मिनट्स में हम क्लास स्टार्ट करेंगे। स्टूडेंट्स अब हम यूनिट 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। दिशा मैं आपको सुनाई दे रही हूँ। आई एम ऑडिबल टू यू। हाँ जी मैम। हेलो हेलो। दिशा आई एम ऑडिबल टू यू। हाँ जी मैम। हेलो। हेलो हेलो। अब हम करने जाएंगे यूनिट 4 मिसलेनियस डिलीवरी सिस्टम। ओके मैम। अभी हमने लास्ट हमने लेक्चर में किया था फार्मास्यूटिकल्स की इंट्रोडक्शन, ऑरल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन किए थे कि कितने रूट से हमारी जो ड्रग है बॉडी में जाती है। अब हम करेंगे मिसलेनियस ड्रग डिलीवरी सिस्टम। ठीक है जी। बहुत सारे डिलीवरी सिस्टम। दिशा आई एम ऑडिबल टू यू। यस मुझे आपका मैम। रिप्लाई नहीं आ रहा है। यस मैम। हेलो।
हेलो ये कहाँ से निकला है? आपके पैन धोई है ना, सारे निकाल दिए, यही तो थे, रख लो। कहाँ रखना? लाइसेंस वगैरह सब। लास्ट लेक्चर में हमने किया था फार्मास्यूटिक्स की इंट्रोडक्शन और ऑरल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कितने टाइप के होते हैं? अब हम पढ़ने जाएंगे मिसलेनियस डिलीवरी सिस्टम। ठीक है जी। ठीक है मैम। हाँ जी। इसमें जो हमारे डिलीवरी सिस्टम्स हैं, डिलीवरी सिस्टम का मतलब होता है कि ड्रग को डिलीवर कराने के तरीके। ठीक है जी। उसके बाद हाँ जी, बहुत सारे तरीके होते हैं जिनसे हम ड्रग को डिलीवर करवाते हैं, क्योंकि एक तरीका नहीं एक्सेप्टेबल होता तो दूसरे तरीके से करते हैं, और दूसरा भी नहीं काम करता तो तीसरा तरीका हम इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है। जिनमें कुछ आ जाते हैं ड्रग डिलीवरी सिस्टम में, एरोसोल्स होते हैं। एरोसोल्स समझते हो? हाँ जी मैम। हाँ जी। एरोसोल्स होते हैं अपने, एरोसोल्स हो गए, नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम हो गया, ये तो मिसलेनियस में आ जाता है एरोसोल्स जैसे कि। ठीक है। हाँ जी। नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम हो गया, रेडियो फार्मास्यूटिकल सिस्टम हो गया, मेडिकल डिवाइसेस हो गए। किसी मेडिकल डिवाइस को, मेडिकल डिवाइस होता है उसको आप यूज करते हैं और मेडिसिन उसमें से आपके बॉडी में जाने लगती है, इम्प्लांट्स हो जाते हैं। ठीक है। दिस सिस्टम हैव डेजिग्नेटेड एज मिसलेनियस। मिसलेनियस का मतलब हो जाता है कि बहुत सारे सिस्टम्स, ड्रग को डिलीवर कराने के बहुत सारे सिस्टम्स हो जाते हैं। ये क्या है, हमारी जो लाइफ है उसमें एक वाइटल रोल प्ले करते हैं। हमारी डिजीज को डायग्नोस करने के लिए एक थेरेपी होती है। ठीक है। अगर एक तरीका काम नहीं करता तो दूसरा तरीका हम इम्प्लीमेंट कर देते हैं, जिसके अंदर आ जाता है आपका एरोसोल्स में प्रेशराइज पैक होते हैं। ठीक है जी। एरोसोल्स में जैसे कि आपने देखे होंगे वो डिओड्रेंट्स देखे हैं। हाँ जी मैम। हाँ, डिओड्रेंट्स होते हैं जैसे, या इनहेलर, ये अस्थमेटिक जो पंप्स आते हैं वो भी एरोसोल ही होते हैं एक तरीके से। ये क्या होता है, एक प्रेशराइज्ड पैक होता है जो कि कंप्रेस्ड होता है, पावर ऑफ कंप्रेस्ड, और लिक्विफाइड गैस होती है इसमें जो कि कंटेंट को एक्सपेल करती है कि वो पेशेंट की बॉडी तक जाए। ठीक है। ड्यू टू देयर वाइड स्प्रेड एक्सेप्टेबिलिटी, क्योंकि उसकी एक्सेप्ट वाइड स्प्रेड होता है। एक आप एस्थमेटिक पंप देखते हो, ठीक है, उसमें जब वो इनहेल होता है तो प्रेस करते हैं तो प्रेशर से उसमें ग्लोब्यूल्स निकलते हैं, वाटर ग्लोब्यूल्स। ठीक है। और तो क्या होता है, वाइड स्प्रेड होता है बाय बोथ पेशेंट एंड फिजिशियन। इसका ये हो जाता है कि एक टाइम में आप जब उसको इनहेल करते हैं तो इफेक्ट भी जाएगा और पूरा का पूरा कंटेंट पेशेंट की बॉडी में जाएगा। ये एरोसोल का रोल प्ले होता है। ठीक है जी। ओके हाँ, एरोसोल्स मोस्टली आपके क्या होते हैं, मेन माइंड में आप ये रखो कि जैसे ये अस्थमेटिक पंप होते हैं, ये एरोसोल्स होते हैं। आप डिओड्रेंट्स यूज करते हैं कॉस्मेटिक पर्पस के, ठीक है, उसमें भी वो भी एक प्रेशराइज पैक होता है जिसमें जस्ट एक बटन से प्रेस करते हैं तो फाइन ये लगा लो आप ग्लोबलेट्स से निकलते हैं, लिक्विड के ड्रॉपलेट्स से। ठीक है। मैम। मिस्ट, जिसको आप मिस्ट भी बोलते हो। हाँ जी। हाँ, वो तो हो गया कॉस्मेटिक में डिओड्रेंट्स। ये अपने फार्मास्यूटिक्स में आ गया अस्थमेटिक, जिसको आप ऑस्टियोपोरोसिस भी बोलते हैं। ये डिवाइसेस क्या होता है, इनमें मेटल वाल फिट होता है। कभी आपने अस्थमेटिक के पेशेंट के अस्थमे का आपने इनहेलर देखा हो तो उसमें क्या होता है, एक मीटर लगा होता है जिसमें डोज काउंट होती है। ठीक है जी। हाँ, तो उसका क्या है, फाइन मिस्ट सी एरोसोल में से निकलती है।
और वो क्या करती है, बॉडी में जाती है एक टाइम में, वन टाइम में जब आप उसे इनहेल, जब इनहेल होता है वो पेशेंट की बॉडी में इफेक्ट देता है, और उसका इफेक्ट फिर काफी टाइम तक रहता है, और उसके पार्टिकल्स का जो साइज होता है ना वो 6 μm से 2 μm से 6 μm तक होता है, जो रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स को खोल देता है, ठीक है, एल्वियोलर डक्ट्स को खोल देता है ताकि पेशेंट इनहेल कर पाए अच्छे से, उसके अंदर जो मेडिसिन है, बाय चांस क्या होता है ऑरली कुछ मेडिसिन नहीं जा सकती उसके अंदर, ऑरली या नेबुलाइज से नहीं जा सकती, बहुत ये लगा लो आपकी क्रिटिकल कंडीशन है, तो ऐसे केस में हम क्या करते हैं, तब हम एरोसोल प्रोडक्ट्स का यूज करते हैं, तब एरोसोल प्रोडक्ट डिजाइन होती हैं ताकि वो पेशेंट्स भी ले सकें जो पेशेंट्स हमारे नहीं ले सकते नॉर्मल रूट से, ठीक है। हाँ, अब इसमें ये लगा लो आप, प्रिपरेशन ऑफ एरोसोल्स में क्या होता है, प्रिपरेशन ऑफ एरोसोल में क्या होगा, दो मेथड से ये बनते हैं, डिस्पर्जन मेथड से और कंडेंसेशन मेथड से, ठीक है। इनमें इनिशियल प्रोडक्ट तो सुपर सैचुरेटेड होगी वेपर्स मटेरियल में, डिस्पर्स फॉर्म में जब ये और डिस्पर्स होने के बाद क्या होगा, सुपर सैचुरेट हो जाएगी, एक मैंने कहा ना एक प्रेशराइज्ड पैक है जिसके अंदर कंटेंट भी है, गैसियस भी है, जो कि एक प्रेशर से मेडिसिन को एक्सपेल आउट करती है, ये एरोसोल का मेन रोल प्ले है, ठीक है, ठीक है मैम। हाँ जी, अब आप इसमें देखो कि मैरिट्स ऑफ एरोसोल ड्रग डिलीवरी, एरोसोल ड्रग डिलीवरी का मकसद क्या है, हाई कंसेंट्रेशन ड्रग जो है हमारी साइट ऑफ एक्शन पे जाए, मानो अगर कोई इनहेलर नहीं ले पा रहा है मेडिसिन तो उस पर्टिकुलर साइट ऑफ एक्शन पे वो ड्रग डायरेक्टली जाती है जब वो पेशेंट उसे लेता है, ठीक है, जब डायरेक्टली वो साइट ऑफ एक्शन पे जाएगी तो नेचुरल सी बात है उसका थेरापेटिक रिस्पांस भी अच्छा होगा, ठीक है जी, लोअर डोज। हाँ, तो ये एक तरीके से रैपिड ऑनसेट एक्शन भी है कि जैसे ही फटाफट से मैं आपने इनहेलर लिया और फटाफट से ड्रग डिलीवरी मोड ऑन होके वो उसको इफेक्ट करने लगे, ठीक है। अब ये हर चीज का कहा ना एप्लीकेशन फार्मेसी में एरोसोल की क्या एप्लीकेशन है, ये क्या है, क्या यूज है, ये लगा लो आपकी इसका रोल प्ले क्या है, क्यों रिक्वायर्ड होता है, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम से ड्रग दी जाती है, नेजल रूट से दी जाती है, ये लोकलाइज्ड इफेक्ट करता है, ये इसकी मेन एप्लीकेशन है, ठीक है। okay. ये क्या है, लंग्स को खोल देता है और लंग्स को खोलने के बाद ये अच्छे से उसमें मेडिसिन जाती है, ये एक तरीके से एरोसोल हमारे लोकल और सिस्टमैटिक ड्रग डिलीवरी सिस्टम में आ जाती है, जो कि 10 सालों से इनहेलेशन थेरेपी में अस्थमा में यूज हो रहे हैं। अस्थमा की कहीं आपने मेडिसिन देखी भी होंगे, कल हमने डिस्कस भी किया था ना, फोराकोट है, ब्यूडिकोट है, हाँ जी, इनके क्या है, ये अस्थमैटिक भी आते हैं और पंप्स आते हैं, ये एक ये एरोसोल्स ही है फार्मास्यूटिकल, ठीक है, और जो आपको मैंने डिओड्रेंट्स बताए हैं ना वो कॉस्मेटिक्यूटिकल में आ जाते हैं, ओके, वो चीज है आपकी कॉस्मेटिक में, उसको आप लो तब भी चलेगा, नहीं लो तब भी चलेगा, वो आपके कॉस्मेटिक में आ जाते हैं, ये फार्मा रूप में आ जाते हैं। अब पढ़ेंगे हम नॉवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, नॉवल से ड्रग डिलीवरी सिस्टम से आप क्या समझते हो, ड्रग डिलीवरी सिस्टम जो डोजेस फॉर्म को डिलीवर करे, ड्रग को डिलीवर करने का उसका पूरा प्रोसेस, उसका पूरा प्रोसेस कैसे ड्रग डिलीवर, कल तो हमने क्या है वो सब पढ़ लिया कि ये फार्मास्यूटिक्स क्या होता है, उसके अंदर क्या क्या सिस्टम आते हैं, ओरल रूट, एक्टल रूट, वो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन था, आज हम पढ़ेंगे ड्रग डिलीवरी सिस्टम, वो तो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ लिया, उसके बाद ड्रग को डिलीवर कराने के तरीके, एक तरीके से नहीं इम्प्लीमेंट हो रहा तो दूसरा तरीका यूज करना, ठीक है। नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम में क्या होता है कि आप बॉडी के थेरेप्यूटिक कंसेंट्रेशन ऑफ ड्रग प्लाज्मा में जाए, मतलब ज्यादा से ज्यादा कंसेंट्रेशन जितनी रिक्वायर्ड है वो आपकी बॉडी में जाए, ठीक है, साइट ऑफ एक्शन पे, लोकल एक्शन पे जाके वो इफेक्ट करे, ये नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम का रोल प्ले हो जाता है। इसमें क्या है, नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम में एक पुअर पेशेंट, कई बार ऐसा होता है इस सिस्टम में ना पेशेंट एक कंप्लाइज नहीं कर पाता, ठीक है, कुछ लिमिटेशन से कहा ना कि हर सिस्टम की कुछ एडवांटेजेस भी हैं तो कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, वही चीज है जैसे आप नॉर्मल सिंपल एग्जांपल है वॉशिंग मशीन है, ठीक है, कपड़े वॉश करती है, इजी बहुत सिंपल एग्जांपल बता रही हूँ डेली रूटीन लाइफ से कि वो वॉश करती है, ठीक है, लेकिन क्या हो जाता है कई बार आप नंगे पैर खड़े हो जाओ करंट भी आ जाता है, हाँ जी, फायदा है
कि आपको धुले धुलाए कपड़े मिल रहे हैं, लेकिन नुकसान यह है कि करंट भी लग सकता है। तो एज यूजुअल इसमें भी यही है कि अर्बन रेलवे सिस्टम में फायदे भी हैं तो कुछ नुकसान भी हैं, है ना। हर चीज़ की अपनी एडवांटेज डिसएडवांटेज लिमिटेशन है। जैसे क्या हो जाता है, कुछ पेशेंट इसे नहीं ले पाते, इरिटेट होते हैं, ठीक है, बचते हैं इन चीज़ों से। या कई बार ऐसा हो जाता है कि पेशेंट डॉक्टर ने बताया, प्रिस्क्राइब किया कि आपने ये अस्थमेटिक ये पंप को इस तरीके से लेना है, लेकिन पेशेंट नहीं समझ पाया। अंडर मेडिकेशन का मतलब है कि जितना उसे कहा गया उतनी नहीं लेना, और ओवर मेडिकेशन का मतलब है अगर उसने कहा है कि एक पफ लेना है तो वो दो ले लेता है, वो ओवर मेडिकेशन में हो जाता है जिसका कुछ एडवर्स इफेक्ट्स हो जाते हैं, ठीक है। सो नॉवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम हमारा यहाँ पे कुछ लिमिटेशंस आ जाता, अच्छा है लेकिन कुछ लिमिटेशंस है। वैसे ही एक कंट्रोल्ड ड्रग डिलीवरी सिस्टम आ जाता है हमारा। कंट्रोल्ड में क्या हो जाता है, कंट्रोल्ड ड्रग डिलीवरी सिस्टम का नाम से ही आप समझोगे कि वो ड्रग डिलीवरी सिस्टम जो कि ड्रग को बॉडी के अंदर रिलीज करवाए इन अ कंट्रोल्ड मैनर, ठीक है, एक कंट्रोल्ड मैनर के अंदर वो ड्रग को रिलीज करवाए, वो ड्रग वो कंट्रोल्ड ड्रग डिलीवरी सिस्टम हो जाता है। आपने अपने अपने नोट्स जो हैं वो इनको ओपन अप भी कर लेना, ठीक है। हाँ जी मैम, ओपन की हुए। हाँ तो आप भी पढ़ पाएंगे। तो कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम का यही मतलब होता है विच डिलीवर द ड्रग एट अ प्री डिटरमाइंड रेट लोकली और सिस्टमैटिकली। लोकली और सिस्टम से कंट्रोल मैनर में किसी ड्रग को डिलीवर कराना विद अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है नी। अब हम आगे चलेंगे, क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ नोवल ड्रग डिलीवरी। अब भाई नोवल डिलीवरी सिस्टम की कितनी तरीके की क्लासिफिकेशन है, जैसे कल हमने रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की क्लासिफिकेशन पढ़ी थी ना, वैसे इसके भी हैं। जैसे कि इसमें है कंट्रोल का, आपको मैंने बता दिया कंट्रोल रिलीज मैनर में आप पढ़ पा रहे होंगे। ट्रांस म्यूकोसल होता है, कुछ ऐसी ड्रग्स होती हैं जो कि म्यूकोसल मेम्ब्रेन से जाती हैं, बक्कल पैचेस, ठीक है। जैसे सपोज है अंदर कुछ बक्कल एरिया में, बक्कल कैविटी में कुछ चोट फल कहते हैं ना, छाले हो जाते हैं, कई बार कुछ ज्यादा अल्सर्स आ जाते हैं, वो नहीं रिकवर होते, तो उसके लिए बकल पैचेस होते हैं। वो पैच अंदर लगाने से धीरे धीरे वो ड्रग बकल म्यूकोसा से रिलीज करती है, दैट इज कॉल्ड ट्रांस म्यूकोसल, ओके। वेजाइनल वेजाइनल इम्प्लांट्स हैं, वेजाइनल इन्फेक्शन हो जाता है तो उसके भी कुछ इम्प्लांट्स आते हैं, रेक्टल इंसर्ट हो जाते हैं, सपोजिटरीज हो जाती हैं, ये कुछ ट्रांस म्यूकोसल का तरीका हो जाता है, ठीक है। These systems are suitable for local release. पर इनका ये सिस्टम का ये फायदा होता है कि जिस जगह पे आपको चाहिए, सपोज आपके बकल में प्रॉब्लम है, ठीक है, या किसी भी पेशेंट के बकल में प्रॉब्लम है, तो पर्टिकुलर उसी एरिया पे इफेक्ट करेगा, ना कि दूसरे किसी एरिया पे करेगा, ठीक है। इसका दूसरा तरीका आ जाएगा, और ये आपने पढ़ लिया कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम CDDS। ट्रांसमिशन में बता चुकी हूँ, पेरेंट्रल्स का हमने कल भी पढ़ा था, ये नॉर्मल मैं आपको रिकॉल करवा रही हूँ। These are the preparation which avoid the oral route. अगर कोई patient oral route से नहीं ले पाता है, उसके लिए sterile preparation बनती है, जो कि हमने unit third में previous में पढ़ चुके हैं। हाँ, जो injection के through जाते हैं। हाँ, parenteral ताकि immediate action दे body के अंदर। Implants हो जाते हैं, implants में sterile dosage form हो जाती है, prepared for the insertion to the body by surgical method. किसी की surgery हुई है, तो क्या हो जाता है, कुछ implants आ जाते हैं, implant होते हैं pharmaceutical, जो कि पेशेंट की बॉडी पे लगाए जाते हैं, जो कि धीरे धीरे ड्रग को रिलीज करवाते हैं, ठीक है। तो कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम का भी इम्प्लीमेंट कर देते हैं, ड्रग डिलीवरी सिस्टम को भी रोल प्ले करते हैं, और इम्प्लांट्स पेशेंट की बॉडी में इफेक्ट भी करते हैं। जैसे कि इसका नॉर्मल एग्जांपल आप ले लो, जस्ट नॉर्मल वाला, इम्प्लांट्स भी नहीं कहेंगे उसे, जस्ट एक बैंडेड देखिए, यूज भी की होगी। हाँ जी मैम। हाँ, तो मैं वो बहुत छोटा सिंपल एग्जांपल है इम्प्लांट को समझने के लिए। आप जब कहीं चोट लग जाती है तो उसको लगाते हैं, एक दो दिन लगते हैं, उसके बाद वो चोट ठीक हो जाती है, और उसको कभी ध्यान से दिखाओ तो उसके बीच में येलो येलो कैप्शन सा होता है। हाँ, तो वो एक तरीके से वो इम्प्लांट का ही रोल प्ले हो जाता है कि धीरे धीरे उसमें से ड्रग रिलीज करके आपकी बॉडी में जाती है, और वो जो आपका वाउंड है वो हील हो जाता है। वो एक सिंपल एग्जाम्पल है इम्प्लांट का, ठीक है। अब इसकी बात पढ़ेंगे हम ट्रांसडर्मल के बारे में। ट्रांसडर्मल में आ जाती है आपकी ऑइंटमेंट, टॉपिकल एजेंट्स, ठीक है, वो एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग जो कि कंट्रोल मैनर में हो। ट्रांसडर्मल में भी ऐसी कुछ ऑइंटमेंट आते हैं जो कि धीरे धीरे ड्रग को कंट्रोल मैनर में रिलीज करती है, ठीक है जी।
अब हम नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम का फायदा एडवांटेज देखेंगे। इसमें क्या है, एक तो पेशेंट की प्रॉब्लम, अवॉइड पेशेंट कंप्लायंस प्रॉब्लम। कई बार ऐसा होता है ना, कुछ इनटेक नहीं कर पाते पेशेंट, तो इन ड्रग डिलीवरी सिस्टम से क्या हो जाता है, पेशेंट की जो प्रॉब्लम है वो दूर हो जाती है, वो इजिली ड्रग को कंप्लाई करके ले पाते हैं। ठीक है, और जो हम चाहते हैं ना सस्टेन्ड रिलीज, जिसके बारे में हमने कल भी पढ़ा था, एक तरीके से वो इफेक्ट भी इससे देता है ड्रग डिलीवरी सिस्टम से। ठीक है जी, अब इसकी कहा ना कि फायदे भी हैं तो कुछ नुकसान भी हैं। डिसएडवांटेज इनकी होती है कि क्या है, इन विट्रो इन वीवो कोरिलेशन नहीं मैच कर पाता। इन विट्रो इन वीवो कोरिलेशन से समझते हो कुछ, कुछ आइडिया है इसके बारे में? अभी ध्यान नहीं है। कोई बात नहीं, मैं क्लियर कर देती हूँ। इसमें क्या होता है, इन विट्रो का मतलब होता है कि आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, ठीक है, और इन वीवो का मतलब होता है कि बॉडी के अंदर आपकी ड्रग जा रही है। एक है जैसे आपने डिस्प्लिन देखी, ठीक है, पानी में डाला वो डिसइंटीग्रेट होने लगी, ठीक है, वो देख रहे हो आप इन विट्रो, यानी कि अपनी आईज से आप वो ड्रग का मोड ऑफ एक्शन देख पा रहे हो ड्रग का, ठीक है। इन वीवो होता है कि आपने इनटेक कोई चीज करी लेकिन आपको नहीं पता वो कैसे एक्शन कर रही हो, ठीक है, जो अपनी आंखों से आप देख सको वो इन विट्रो होता है, जो नहीं देख सकते वो इन वीवो होता है। तो क्या होता है कि उनका भी कोरिलेशन देखना होता है कि ड्रग इतने टाइम में इफेक्ट कर रही है इन विट्रो तो हमारी बॉडी में भी जाके इतना ही इफेक्ट करे, ये कुछ डिसएडवांटेज हो जाते हैं, ठीक है, तो हम नहीं देख सकते। डोज जंपिंग पॉसिबल, भाई डोज जितनी जा रही है उतनी जा भी रही है या नहीं जा रही है वो नहीं हमें पता लग पाता, ठीक है। और इन फॉर्मुलेशन में क्या होता है, ये हाई कॉस्ट होती है, इकोनॉमिकली मतलब कॉस्टली पड़ते हैं अगर कोई इसे बनाता भी है, ठीक है नहीं? ठीक है। अब उसके बाद आ जाता है पॉलीमर मेम्ब्रेन कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। इसमें क्या हो जाता है, एक ड्रग पार्टिकल होता है जिसको एक वेरियस शेप में उसको एनकैप्सुलेट करते हैं, यानी कि उसके आपने मैंने कहा ना कल आपको बताया था पेंटाप्रोजोल के कैप्सूल्स आते हैं, ठीक है, उसके कभी आपने पार्टिकल्स देखे हो तो वो होते हैं रेड येलो ग्रीन से, बड़े अच्छे लगते हैं देखने में कलरफुल, ठीक है, और उसपे आपने देखा होगा कि क्लेम पे DSR। अब उसका रोल प्ले समझना, आपको ये चीज अपने आप समझ आ जाएगी कि अब उसके जो पार्टिकल्स होते हैं उसमें क्या होता है, उसमें ड्रग ही तो होती है जिसे कि एनकैप्सुलेट किया होता है, ठीक है, प्रॉपर ड्रग पार्टिकल्स से, प्रॉपर एक लेयर से एक वॉल बनाई जाती है। जो आप पैलेट्स देखते हो ना रेड येलो ग्रीन, वो क्या करते हैं जब आपकी बॉडी में जाते हैं ना, पहले तो वो वॉल धीरे धीरे रिलीज करती है, फिर वो उसमें से ड्रग रिलीज करेगी रेट कंट्रोलिंग मैनर में उस पॉलीमर मेम्ब्रेन में से, ठीक है, वो जो रेड येलो पॉलीमर मेम्ब्रेन है ना उसमें से ड्रग पार्टिकल्स रिलीज करती है और उसमें धीरे धीरे इफेक्ट आता है, उसको कहते हैं कंट्रोल रिलीज मैनर। ड्रग एक प्रॉपर कंट्रोल्ड मैनर में बॉडी के अंदर रिलीज करती है, इसीलिए उन कैप्सूल्स के ऊपर DSR लिखा जाता है, ड्रग सस्टेन्ड रिलीज, ठीक है, वो ड्रग जो लंबे समय तक हमारी बॉडी में आराम करे। अब जैसे कोई ये है कि आपने कोई ड्रग है, आपको क्या पता वो कैसे इफेक्ट कर रही है, नहीं पता, ठीक है, तो क्या होता है जब हम इन विट्रो इनकी स्टडी करते हैं ना, इसमें क्या हो जाता है, एक तो है ड्रग लेवल देखते हैं हम कि हमारी बॉडी में जाके आपके पास ग्राफ्स आ गए होंगे, इसका मतलब होता है कि ये जो है ना, आपको मैंने कल बताया था कि टेबलेट पे लिखा होता है सुबह दोपहर शाम, आपने मुझे इसका आंसर किया कि मैम उसका इतना ही इफेक्ट होगा, ठीक है, बिल्कुल आपकी बात सही थी, पर उसका इफेक्ट कैसे होता है जब आप उसे लेते हो, ठीक है, जितना उसका टाइम पीरियड है उसके बाद वो ड्रग ब्लड में डिसॉल्व हो जाती है, तो क्या होता है वो अपनी मैक्सिमम डिजायर्ड लेवल पे पहुंच जाती है, ठीक है, जब उसका इफेक्ट कम होता है तो वो मिनिमम इफेक्टिव लेवल पे आ जाती है, फिर आप सेकेंड डोज लेते हो तो फिर वो राइज हो जाता है, फिर उसका इफेक्ट खत्म होता है फिर डाउन हो जाता है,
फिर आप थर्ड डोज लेते हो तो फिर राइज होता है, फिर लेवल कम होता है. ये आपके ग्राफ आपको सब बताएगा. पर अगर हम किसी ड्रग को, हम निमानो कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम में ड्रग को डिजाइन कर दिया, तो हम ये पर उसमें ड्रॉबैक ये है जो आपने ऊपर ग्राफ देखा कि आप मानो पेशेंट हो, आपने ड्रग को इंटेक किया. हम कई बार कहते हैं ना कभी ध्यान क्या हो कि अरे सुबह की दवाई तो मैं भूल गई, हाँ जी, या अरे रात की तो मैं निखाई ही नहीं थी. ठीक है, तो अगर हम किसी मेडिसिन को उसको ड्रग डिलीवरी सिस्टम में बना दें तो क्या होगा, एक ही डोज जो 8 hours काम करती है वो 12 hours भी काम कर सकती है, वो 24 hours भी काम कर सकती है. ठीक है, तो वो अगर कोई ड्रग हमारी जाती है कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम के थ्रू, तो वो ऐसे एक्ट करेगी कि पहले आपने इंटेक किया, उसको जितना टाइम लेना है ड्रग डिसॉल्व होने में, जितने उसकी प्रोसेसिंग है उतना लेने के बाद क्या होगा, वो ड्रग धीरे धीरे रिलीज करेगी, ब्लड में ही रहेगी, टिकी रहेगी, धीरे धीरे कंट्रोल्ड मैनर में रिलीज करेगी. और उसके बाद क्या होगा कि आपने एक बार ले लिया ना उसको, तो आपको बार बार डोज लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी. मानो सुबह ले ली तो आपको ये नहीं कि शाम को भी लेनी है, एक डोज से काम चल गया. ठीक है, ये इन ग्राफ्स का मतलब है. ये हो, अब ये क्लियर हो गया होगा आई थिंक सो आपको. हाँ जी मैम. हाँ, तो अब इसके बारे में ड्रग रिलीज पैटर्न पढ़ेंगे कि कंट्रोल्ड डिलीवरी सिस्टम में कौन कौन से पैटर्न आ जाते हैं. एक तो है स्लो जीरो ऑर्डर रिलीज. इसमें क्या हो जाता है, जो हमारी रिलीज फॉर्मुलेशन है ना सूटेबल फ्लूइड्स में, वो एब्जॉर्ब जब हो जाती है तो कुछ तो ऐसे होते हैं फटाफट से एब्जॉर्ब हुई, रोल प्ले खत्म किया, निकल गई, उनको कहते हैं जीरो ऑर्डर रिलीज, यानी कि उन्होंने बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं दिया. ठीक है, ओके. एक होती है स्लो फर्स्ट ऑर्डर रिलीज. इसमें क्या हो जाता है कि एक आपने ड्रग ली, ठीक है, smaller amount of drug was released and secondly the absorption decreases formulation. आपने एक ड्रग को ले लिया, वो रिलीज तो कर गई लेकिन स्लो मैनर में कर रही है. ठीक है, उसके बाद क्या होता है, वो जहां तक उसको जाना है वो वहां पहुंच ही नहीं पा रही है जी आई टी ट्रैक तक, और वहीं से वो रिलीज हो रही है टॉक्सिक लेयर पे. ठीक है, ये हो जाता है स्लो फर्स्ट ऑर्डर. ऐसे इनिशियल रैपिड रिलीज में क्या हो जाता है कि रैपिडली वर्स्ट इफेक्ट हो जाता है कि आपने डोज ली, डोज एकदम से बर्स्ट इफेक्ट किया, इमीडिएट एक्शन भी आया, ठीक है, लेकिन साथ ही खत्म हो गया. जैसे कई बार हम कहते हैं अरे फटाफट से हमारा बुखार उतर गया, हां जी, तो वो ये इफेक्ट होता है कि इनिशियल रैपिड रिलीज ऑफ लोडिंग डोज फॉलो बाय स्लो जीरो ऑर्डर. एक हो जाता है कि स्लो लोडिंग डोज फॉलोड बाय स्लो फर्स्ट ऑर्डर. इसमें क्या हो जाता है कि दो पोजीशंस होते हैं अपने, एक तो फर्स्ट ऑर्डर एब्जॉर्प्शन को भी लेता है, स्लो ऑर्डर को भी, यानी कि पहला भी लेगा कि ड्रग जाए इफेक्ट करे और फिर दूसरा भी लेगा स्लो करके डिस्क्रीम. ये अभी तक आपको क्लियर हो चुका है? हाँ जी मैम. हाँ जी, अब इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि रेडियो फार्मास्यूटिकल कॉन्ट्रास्ट क्या होते हैं. ठीक है, रेडियो फार्मास्यूटिकल में क्या हो जाता है कि कुछ रेडिएशंस होती हैं जिनके थ्रू हम ड्रग को पेनिट्रेट करवाते हैं. रेडियो फार्मास्यूटिकल आर द केमिकल सब्सटेंस दैट कंटेन्स द रेडियो एक्टिव विद देयर स्ट्रक्चर. ठीक है, और बॉडी में एडमिनिस्टर किया जाता है ह्यूमंस की, जो आपने पढ़े होंगे अल्फा बीटा गामा के बारे में. हाँ जी मैम. हाँ, इसमें क्या हो जाता है कि कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं, इनके थ्रू भी ड्रग को मॉडिफाई किया जाता है ताकि ड्रग जाए अल्फा बीटा के थ्रू और वो इफेक्ट करे. कई बार होता है, कई जगह सुना होगा अल्फा बीटा प्लांट है. ठीक है, अल्फा पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज होते हैं और हैवी होते हैं. ठीक है, दे आर शॉर्ट इन हैवी रेंज और ये फार्मास्यूटिकल प्रोसेसेस में यूज होती है. ऐसे ही बीटा होता है, अल्फा बीटा गामा के बारे में पढ़ा भी होगा आपने. ये आपकी आयनाइजिंग रेडिएशंस हैं जो कि रेडियो एक्टिव आइसोटॉप्स में पर्टिकुलर रेडिएशंस में काम करते हैं. ठीक है, ठीक है. हाँ जी, अब इसके बाद पढ़ेंगे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में क्या हो जाता है,
गामा रेडिएशंस, आप इतना इसे क्लियर करो, ठीक है, समझो? मैं भी एक मिनट में करवाती हूँ आपको. ओके मैम.
हाँ जी हेलो हेलो। हेलो, क्लियर हुआ आपको? हाँ जी मैम। हाँ जी, अब आगे फर्दर चलते हैं इसमें, ठीक है। ये जो रेडियो फार्मास्यूटिकल होता है ना, डायग्नोस्टिक पर्पस से यूज होता है, जैसे कि ब्रेन एजेंट्स के लिए, ठीक है, थायराइड ठीक है मैम। एजेंट के लिए होता है, ठीक है। ब्रेन एजेंट में मोस्टली सोडियम फेरटेक टेक्निक है, डायरेक्टली ऑब्टेन फ्रॉम टेक्नीम जनरेटर, ठीक है, ब्रेन एजेंट्स के तौर पे यूज होते हैं इसमें। और थायराइड एजेंट हो गए जैसे, ये यूज होते हैं। बोन एजेंट्स के लिए यूज होती है रेडियो फार्मास्यूटिकल। लंग एजेंट के लिए यूज होती है, लंग्स के लिए, ठीक है। कुछ अगर ऐसा है ना कि भाई नॉर्मल रूट से या नॉर्मल तरीके से नहीं हो पा रही है, तो हाँ जी मैम। क्या है, वो इस तरीके से हो जाती है। रेडियो फार्मास्यूटिकल थेरेप्यूटिक पर्पस पे यूज होता है, ठीक है। ठीक है। हाँ जी, और अब इसके बाद पढ़ेंगे मेडिकल डिवाइसेस के बारे में। मेडिकल डिवाइसेस से आप खुद ही समझ गए होंगे कि वो मेडिकल डिवाइस है जो कि जब बॉडी के लिए यूज करते हैं तो बॉडी पे इफेक्ट डालते हैं, ठीक है। मेडिकल डिवाइसेस टेक्नोलॉजी इज द वन ऑफ द दोज एम्प्लॉयड बाय फिजिशियन और रेडियो डायलॉजर्स इन द ट्रीटमेंट ऑफ पेशेंट। पेशेंट के ट्रीटमेंट के लिए यूज होते हैं, ठीक है, फिजिशियंस के। तो वो मेडिकल डिवाइस टेक्नोलॉजी होती है। डिवाइस यूज करना नॉर्मल सी लैंग्वेज है कि मशीन्स यूज होती हैं जिनसे कि हाँ वो ठीक हो जाते हैं, ठीक है। इसमें आ जाती है आपकी एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा हेटेरोइक डिवाइसेस, गेस्ट डिवाइसेस, ठीक है जी। बहुत सारे मतलब डिवाइसेस हैं, कार्डियक डिवाइसेस हो गए, वास्कुलर डिवाइसेस हो गए। मेडिकल डिवाइस टेक्नोलॉजी से पेशेंट को ठीक करने का तरीका होता है, ठीक है। कार्डियक डिवाइसेस में मोस्टली हो जाएगा कि अगर कोई पेशेंट है नहीं इफेक्ट कर पा रहा, कार्डियक डिफेक्ट है उसको, तो क्या होगा, उसकी हार्ट वाल्व ठीक करेंगे कि कार्डियक पेसमेकर, किसी की आपने सुना भी होगा हार्ट बीट ठीक नहीं हो पा रही, ठीक हाँ है। जी मैम। तो कार्डियक पेसमेकर्स होते हैं जो कि हार्ट बीट को नॉर्मलाइज लेके चलती है, ठीक है। ऐसे आपके कार्डियक पेसमेकर हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें आ जाता है आपका एब्डोमिनल डिवाइसेस हो गए, ठीक है। एब्डोमिनल कई बार जीआई ट्रैक में कुछ दिक्कत है तो जीआई के डिवाइसेस होते हैं। जेनिटो यूरिनरी जीयू डिवाइसेस होते हैं, ठीक है। यूरिनरी में दिक्कत है वहाँ के डिवाइसेस हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद हो जाता है अब आपका इसमें आ जाएगा, ये मतलब ये है कि इसमें कुछ डिवाइसेस यूज होंगे रेडियो फार्मास्यूटिकल में, जो कि मेडिकल टेक्नोलॉजी में आपने देखा होगा, कई बार सुना होगा, कैंसर पेशेंट्स होते हैं, ठीक है, हाँ जी उनकी मैम। उनकी रेडिएशन से इफेक्ट ठीक होता है। वो रेडिएशन से क्या ठीक होते हैं, उनमें ये जो मेडिसिन होती हैं, ये लगा लो आपकी जो आपकी टेक्नोलॉजी है मेडिकल डिवाइसेस की, वही तो यूज होती है, ठीक है जी, वो इसमें यूज होंगे। तो ये आपका अभी तक हमने क्लियर किया है, आपने कर लिया ये वाला यूनिट थर्ड हो गया था, यूनिट फोर मिसलेनियस ड्रग डिलीवरी सिस्टम में आपने क्लियर कर लिया अभी तक रेडियो फार्मास्यूटिकल। अब आ जाते हैं इम्प्लांट्स में, ठीक है। इम्प्लांट्स का मैंने थोड़ा ओवरव्यू आपको दे दिया था। हाँ जी इम्प्लांट्स के मैम। लिए आप माइंड में डालोगे कि बैंडेड वाला सिस्टम, ठीक है, कि वो जैसे वो स्किन पे हम लगा देते हैं ना, धीरे धीरे ड्रग्स रिलीज करती है, ऐसे कुछ कई बार ऐसा हो जाता है कि कोई ऑर्गन पर्टिकुलर हमारे काम करना बंद कर देता है, ठीक है। तो उसकी जगह पे हम क्या करते हैं, इम्प्लांट्स यूज होते हैं। जैसे अगर मान लो किसी का ब्रेस्ट में प्रॉब्लम है तो उसके लिए ब्रेस्ट इम्प्लांट आएंगे, ठीक है। अगर किसी के डेंटल में प्रॉब्लम है, देखा भी होगा नकली दांत लगते हैं, तो वो डेंटल इम्प्लांट्स ही होते हैं जो टूथ रिप्लेसमेंट का काम करते हैं, ठीक है। किसी के ब्रेस्ट में दिक्कत है, प्रॉब्लम है, तो आर्टिफिशियल वुमेन ब्रेस्ट यूज होगी, ठीक है। डिफरेंट शेप्स एंड टेक्सचर्स की सिलिकॉन की बनी हुई होती हैं। आपने जो भी मतलब ऑर्गन बॉडी के खराब हो जाता है, तो ये टाइप्स ऑफ जो इम्प्लांट है ना, चाहे वो ब्रेस्ट इम्प्लांट है, चाहे वो डेंटल इम्प्लांट है, चाहे वो हेयर इम्प्लांट है, ये सब सारे के सारे इम्प्लांट जो हैं ये ठीक करते हैं उस चीज को। मानो हेयर में प्रॉब्लम है तो आपने देखा होगा ट्रांसप्लांट का क्या, वो ट्रांसप्लांट करते हैं उसको, ठीक है। हेयर फॉलिकल्स को ठीक करेंगे ताकि अच्छे से ग्रो कर जाए, ठीक है। अगर नहीं भी ग्रो करते तो और भी सिस्टम्स होते हैं, फॉलिकल्स के थ्रू इंजेक्शन मेडिसिन दी जाती हैं ताकि हमारे जो फॉलिकल हैं वो अच्छे से ग्रो करें और नेचुरल लुकिंग हेयर लाइन लगे। आपने विग सुनी, विग होगी जो नकली आर्टिफिशियल हेयर्स होते हैं, वो क्या होते हैं, एक तरीके हेयर इम्प्लांट ही तो होते हैं, बस फर्क इतना है कि वो कॉस्मेटिक में यूज होते हैं, ठीक है। फेशियल इम्प्लांट्स हो जाते हैं, अगर मानो किसी के फेस किसी कोई एक्सीडेंट किसको हो गया है तो फेशियल इम्प्लांट के मतलब उसका फेस ठीक किया जाता है रिकंस्ट्रक्टिव और कॉस्मेटिक पर्पस में, प्लास्टिक सर्जरी जिसका नाम दे देते हैं, ठीक है। फिर
फिर वो आई इम्प्लांट, आईज में प्रॉब्लम हो जाती है, लोग कैटरेक्ट का ऑपरेशन करवाते हैं, उसमें क्या होता है, वो आई इम्प्लांट ही तो होती है एक तरीके से। तो इस तरीके से ना जो भी आपका ऑर्गन, जो भी किसी भी पेशेंट का स्पॉइल हो जाता है या वो एक्टिव फंक्शन के लिए नहीं काम कर पाता, तो उसके लिए क्या है, इम्प्लांट्स यूज होते हैं, ठीक है नी? ओके मैम। हाँ जी, अभी तक ये आपने कर लिया है यूनिट 4 क्लियर, ठीक है? इसमें से कोई आपकी क्वेश्चन की कोई क्वेरी हो तो पूछो। नहीं, फिर आगे फर्दर प्रोसीड करें यूनिट 5 पे। हाँ जी मैम। हाँ, अब देखो इसमें हो जाता है, अब आप पढ़ोगे बेसिक्स ऑफ बायोफार्मास्यूटिक्स, ठीक है जी? बायोफार्मास्यूटिक्स में मैं आपको नॉर्मली इंट्रोडक्शन करवा देती हूँ। इसमें क्या हो जाता है, ड्रग प्रोडक्ट जो हमारी है ना, थेरापेटिक एक्शन दे, ठीक है, एक्टिव रहे, ड्रग अलग अलग इनएक्टिव इंग्रेडिएंट्स के साथ, एक्सिपिएंट्स के साथ मिलकर इतनी इफेक्टिव हो जाए कि वो हमारे बायोफार्मास्यूटिक्स को इम्प्रूव कर सके, बायोअवेलेबिलिटी को इम्प्रूव कर सके। उसमें क्या है, हम क्या करेंगे, किसी भी ड्रग का फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज को इम्प्रूव करेंगे, ठीक है? जिसमें कि ऑब्जेक्टिव्स आपके आ जाते हैं, ये बायोफार्मास्यूटिक्स की गोल्स, बायोफार्मास्यूटिक्स क्या होता है, उसके मकसद क्या है, बायोअवेलेबिलिटी किसे कहते हैं, फार्माकोकाइनेटिक्स क्या होता है, एब्जॉर्प्शन किसे कहते हैं, डिस्पोजिशन किसे कहते हैं, हैपेटिक एलिमिनेशन ऑफ ड्रग क्या होता है, अब इसके बारे में फिर हम पढ़ेंगे कि आपका ये है बायोफार्मास्यूटिक्स में फार्मास्यूटिकल साइंस इनकंपोजिंग स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी ऑफ ड्रग। मैंने जैसे पहले बताया ना कि किसी भी ड्रग की फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज को इम्प्रूव करके उसका थेरेपेटिक एक्शन को बढ़ाना, ठीक है, ये हो जाता है बायोफार्मास्यूटिक्स। अब बायोअवेलेबिलिटी से आप क्या समझते हो, कुछ आइडिया हो तो बताओ। बायोअवेलेबिलिटी जो ड्रग होती है हमारी, वो एक्टिव ड्रग जो डिलीवर होती है, हाँ, कितनी उस टाइम पीरियड में उसका पूरा बायोलॉजिकल इफेक्ट कितना, किस पार्ट पे क्या रहा। सिंपल इसकी लैंग्वेज में आपको समझाऊं तो हमारी बॉडी क्या है, एक बायोलॉजिकल सिस्टम है, ये तो मानते हो, ठीक है? हमारी ड्रग, डोज ऑफ ड्रग हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम में जब जाती है तो कितना अवेलेबल होती है, कितना रीच कर पाते हैं उस पर्टिकुलर पॉइंट पे, दैट इज कॉल्ड योर बायोअवेलेबिलिटी, ठीक है जी? अब आ जाओ इसमें फार्माकोकाइनेटिक्स पे, ठीक है? फार्माकोकाइनेटिक्स में हो जाता है कि इज अ डिसिप्लिन दैट कंसर्न द स्टडी एंड कैरेक्टराइजेशन ऑफ टाइम कोर्स ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन। कोई भी ड्रग आप ले रहे हो, ठीक है, वो कितने टाइम में आपकी बॉडी में जा रही है, कितने टाइम में अब्जॉर्ब कर रही है, डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, मेटाबॉलिजाइज कर रही है, एक्सक्रीट कर रही है। एडीएमई का प्रोसेस सुना है कभी? हाँ जी मैम। पहले ड्रग अब्सॉर्ब होती है, फिर वो डिस्ट्रीब्यूट होती है, फिर मेटाबॉलाइज, फिर उसके बाद वो उसका एक्रीशन, एक्रीशन प्रोसेस स्टार्ट होता है। हमारी ड्रग क्या है, प्रॉपर सिस्टम से रोल प्ले करती है। उसमें क्या हो जाता है कि सबसे पहले जब आप कोई पेशेंट मेडिसिन लेता है, उसमें क्या है, वो ड्रग इनटेक करी तो उसमें डिसोल्यूशन डिसॉल्व होती है, तो फिर उसके बाद एब्जॉर्प्शन होता है ऑर्गन्स में, ठीक है? एब्जॉर्प्शन होने के बाद वो बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करती है जहाँ रिक्वायर्ड चाहिए, ठीक है, मेटाबोलाइज करती है कि मेटाबॉलिक रेट उसका इम्प्रूव होता है। मेटाबॉलिक रेट उसका इम्प्रूव होता है, ये ऑल ओवर क्या है, दैट इज कॉल्ड फार्माकोकाइनेटिक्स। अभी तक तो आपने पढ़ा कि रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या था, ठीक है, मॉडिफाइड ड्रग डिलीवरी सिस्टम्स क्या होते हैं। अब ये पढ़ेंगे कि जो हमारी ड्रग जा रही है वो कितने टाइम पीरियड में हमारी बॉडी में आराम करती है। अभी तो ये पता 30 मिनट्स, तो 30 मिनट्स कैसे वो ड्रग एब्जॉर्ब करेगी, डिस्ट्रीब्यूट करेगी, मेटाबोलाइज करेगी, एक्सक्रीट करेगी, दैट इज तो फार्माकोकाइनेटिक्स जो एडीएमई प्रोसेस को फुलफिल करेंगे, ठीक है। फार्माकोकाइनेटिक आल्सो कंसर्न द रिलेशनशिप ऑफ दीज प्रोसेस, ये इन्हीं से जुड़ा हुआ है। जब तक ये चीज किसी चीज का क्या एक्शन, ठीक है, काइनेटिक का वर्ड आपने सुना भी होगा कि एक मोड ऑफ एक एक्शन में आना, ठीक है? हाँ जी। हाँ, इसमें मेन मोटिव क्या हो जाता है सर, एप्लीकेशन में बायोअवेलेबिलिटी मेजरमेंट करना कि हमारे इस प्रोसेस से जाने के बाद हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम में कितना अवेलेबल हो पा रही है, बॉडी में कितना इफेक्ट दे रही है, डोजेज एडजस्टमेंट करना, डिजीज स्टेट पे पहुंच पा रही है नहीं पहुंच पा रही है, कोरिलेशन मैच करना जो मैंने अभी बताया था ना, इन विट्रो इन वीवो कि फार्माकोलॉजिकल रिस्पॉन्स कितना आ रहा है, वो आ जाता है। ये सारा आपने अभी तक ये आपने फार्माकोकाइनेटिक्स के बारे में पढ़ा। अब आ जाते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग।
absorption क्या हो जाता है कि एक is the defined amount of drug that reaches the general circulation. जब आप कोई medicine अपने under लेते हैं तो वो आपकी body में circulate, कितना circulate कर रही है बिना change हुए. कई बार ऐसा होता है कि हम medicine ले रहे हैं, medicine body में जाके अपनी position change कर लेती है, ठीक है, वो toxic में चली जाएगी. कई बार तो साइड इफेक्ट हो जाते हैं. वो कैसे होते हैं? वो इसीलिए होते हैं कि absorb होने के बाद ड्रग अपने आप को अनचेंज कर लेती है, कि हमारी ड्रग जिस मैनर में है उस मैनर में ही जाके इफेक्ट करे. तो वो क्या करेगी, जीआई बैरियर से जाएगी, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल बैरियर से, ठीक है. उसमें क्या हो जाएगा, इसे क्लियर करो आप. देखो इसे, मैं इसमें से भी कोई कुछ पूछती हूँ आपसे, ठीक है, क्लियर करो. इससे क्या समझते हो आप कि एब्जॉर्प्शन ड्रग से वही कि अमाउंट ऑफ ड्रग कितनी उसमें सर्कुलेशन से पहुंचे विदाउट चेंज, और कितनी फिर बातें मेटाबॉलाइज हो रही है, केमिकल ट्रांसफॉर्म कर रही है, और साइट एक्टिवेशन में कितना पहुंच गया, और कितना अब्सॉर्ब हो रही है, कितना अनअब्सॉर्ब हो रही है. हाँ वही, इसके में जीआई अब्सॉर्प्शन से जब ये होगी ना तो इसके दो तरीके होंगे, पैसिव डिफ्यूजन और एक्टिव डिफ्यूजन, ठीक है. पैसिव डिफ्यूजन में क्या होगा, एक प्रोसेस है जिसमें कि ड्रग मॉलिक्यूल्स हमारे मूवमेंट करेंगे फ्रॉम हाई रिलेटिव कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन, ठीक है. और एक्टिव में क्या होगा कि हमारे जो प्रोसेस है मटेरियल का वो ट्रांसपोर्ट करेंगे अगेंस्ट अ कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट. डिफ्यूजन अगर होगा फ्रॉम लोअर कंसेंट्रेशन टू हाई, जैसे पैसिव में क्या था, हाई से लो पे जाना, एकदम इफेक्ट देना, फिर एकदम डाउन हो जाना, ठीक है. इसका उल्टा हो जाएगा, लोअर से हाई हो जाएगा, लोअर से हायर में हो जाएगा, ये आपको आ जाएगा एक्टिव एक्टिव ट्रांसपोर्ट में, ठीक है. Okay. अब इसके बारे में पढ़ेंगे. इसके कई सारे डिफ्यूजन के टाइप्स हो जाते हैं ना, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, आयन पेयर ट्रांसपोर्ट, आयनिक और इलेक्ट्रोकेमिकल डिफ्यूजन आते हैं इसके अंदर, पोर्स ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं, ठीक है. कि पोर्स, अगर कोई मान लो आपने कोई ऑइंटमेंट लगाई है तो कितने मेमोरी, कितने पोर्स से किस तरीके से वो ट्रांसपोर्ट करती है बॉडी के अंदर, ठीक है. Okay. वो आपकी हो जाती है पोर ट्रांसपोर्ट. अब आप इसमें पढ़ो फैक्टर इफेक्टिव एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग. इसमें मोस्टली क्वेश्चन अराइज हो जाते हैं कि आप ये लगा लो बायोअवेलेबिलिटी और बायो काइनेटिक्स में क्या फर्क है, फार्माकोकाइनेटिक्स में, ठीक है, और इसके फैक्टर्स क्या इफेक्ट करते हैं. ओके हाँ, तो मेन आपके जो इसमें क्वेश्चन होते हैं ना, एक तो बायोअवेलेबिलिटी पे आप क्या समझते हो, फैक्टर इफेक्टिंग एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग, इन पे क्वेश्चन मोस्टली आपसे पूछ लिए जाते हैं, ठीक है. फिजियोकेमिकल फैक्टर्स क्या इफेक्ट करेंगे एब्जॉर्प्शन पे, कि किसी भी मेडिसिन का फिजियोकेमिकल फैक्टर क्या है, क्या उसकी प्रॉपर्टीज हैं. दूसरी उसकी बायोलॉजिकल फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं. दूसरा उसका फार्मास्यूटिकल फैक्टर इफेक्ट करता है, कि फार्मास्यूटिकल फैक्टर क्या है, उसमें क्या होगा कि ये कुछ फैक्टर्स होते हैं जैसे लिपिड सॉल्युबिलिटी का, डिसोल्यूशन का, कि बॉडी में ड्रग जा रही है, डिसोल्यूट हो रही है, डिसइंटीग्रेट हो रही है, ओवरऑल इफेक्ट का हो रही है, ये डिसोल्यूशन हो जाती है, क्रिस्टल फॉर्म हो जाती है, सॉलिड ड्रग सब्सटेंस जैसे होते हैं ना, प्योरली क्रिस्टलाइन सब्सटेंस होते हैं, अमॉर्फस पार्टिकल, एक डेफिनाइट स्ट्रक्चर होता है जो बॉडी में जाके इफेक्ट करता है, ठीक है. फिर आ जाते हैं आपके ड्रग स्टेबिलिटी, जीआई ट्रैक में आपकी ड्रग कितनी स्टेबल है, मतलब बायोअवेलेबिलिटी और फार्माकोकाइनेटिक्स के कुछ फैक्टर्स जो हैं ये इफेक्ट करते हैं कि ड्रग की स्टेबिलिटी कितनी है, स्टेबल है भी नहीं है, जीआई ट्रैक में जाने से पहले आपकी अनचेंजिंग जो टॉक्सिक इफेक्ट दे रही है, या कॉम्प्लेक्सेशन क्या है, ड्रग कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट के साथ कितना कॉम्प्लेक्स हो रही है, ठीक है. एब्जॉर्प्शन, विस्कोसिटी, सरफेस एक्टिविटी, ये आपके कुछ फैक्टर्स आ जाते हैं इसमें, ठीक है.
जो आपकी इसके अंदर आ जाते हैं, बायोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स हो जाते हैं, एनाटॉमी की जीआई ट्रैक की एनाटॉमी कैसी है, ठीक है, अंदर जीआई पीएच कैसी है, जैसे पीएच के बारे में तो पता ही होगा आपको, है ना, पीएच के कितना क्या होता है, पीएच बता सकते हो? जो फर्स्ट टू सिक्स होता है वो हमारा एसिडिक होता है, और सेवन जो हमारा न्यूट्रल हो गया, तो सिक्स टू पीएच की पावर ऑफ हाइड्रोजन। हाँ, तो उसका उसका कितना स्केल होता है? उसका स्केल 1 to 14 होता है। वेरी गुड। डिफाइन इनिशियल स्टेज जो होती है वो एसिडिक होती है, और फिर वो वेरीज करती है, 6 to 8 हमारा न्यूट्रल में आ जाता है, और उसके बाद फिर हमारा वो बेसिक नेचर में आता है, जिसमें कि 7 हमारी न्यूट्रल होती है ना, और 8 to 14 हमारा बेसिक में आ जाता है। हाँ, तो ये मैंने कहा ना जीआई पीएच कि आपके जी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल की पीएच क्या है, अ गुड डील ऑफ भाई आपकी जो भी ड्रग बने तो पीएच का भी ध्यान रखें। गैस्ट्रिक फ्लूइड में तो हमारा वो गैस्ट्रिक बेसिक एसिडिक की नेचर होता है, आपके गैस्ट्रिक फ्लूइड में 1 to 3 तो हम अपने ड्रग को ऐसे ढंग से डिजाइन करते हैं कि हमारे जब बॉडी में वो इनटेक हो तो वो हर चीज का मेंटेन रहे। आप नॉर्मल पीएच यही लगा लो आपकी, अगर आपने कोई मेडिसिन लगाई है बॉडी पे, कई बार आपने देखा होगा इरिटेशन हो जाती है, रेडनेस आ जाती है, यानी कि हमारी बॉडी से उसकी पीएच सुटेबल नहीं होगी, ठीक है, इसीलिए। तो जब हमारी आउटर एरिया पे वो पीएच सूट नहीं कर रही, तो हमारे जो इनर ऑर्गन्स हैं उनका तो बहुत ही सेंसिटिव है, तो जीआई पे कैसे मेंटेन करेगा? तो ये चीजें माइनर, मतलब ये लगा लो कि आप अंदर के ऑर्गन्स जो हो जाते हैं ना फैक्टर, इनको भी ध्यान में रखते हुए हमें किसी भी ड्रग को डिजाइन करना होता है, ठीक है, कि हाँ कि कितना जीआई में ब्लड फ्लो कितना ज्यादा है, ड्रग कितनी इंट्रैक्ट कर रही है जीआई ट्रैक से, मैंने कहा ना कि अंदर जाके इफेक्ट कितना डाल रही है, ठीक है, बाय एरिया में कितना जा रही है, डाइटरी फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं कि हम फूड में इनटेक क्या कर रहे हैं, ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि हमारी डाइट ही हम सुटेबल नहीं ले पाते हैं, जो कि हमारे अंदर के ऑर्गन्स को खराब कर देती है। उसके बाद जब इन इन एक्शन मोड ऑफ एक्शन से ड्रग क्रॉस कर जाती है तो कितना डिग्रेड कर रही है मेटाबॉलिक रेट को, ठीक है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, ये आपके फार्मास्यूटिकल फैक्टर्स और भी आ जाते हैं, जैसे डोजेज फॉर्म कंसिडरेशन, प्रोसेसिंग वेरिएबल, ये आपकी चीज़ें आ जाती हैं। अब आप पढ़ेंगे इसके बारे में डिस्पोजिशन ऑफ ब्लड, सपोज ये तो आपने पढ़ लिया कि इनटेक ले लिया, ब्लड में मिक्स हो गई, मिक्स होने के बाद बायोअवेलेबिलिटी आ गई, फार्माकोडायनामिक्स से एक्शन भी पढ़ लिया। अब हो जाता है कि जब उसने एक्शन दे दिया तो डिस्पोजिशन कैसे होगा, यानी कि जितनी इफेक्ट देनी है उसके बाद वो बॉडी से जाएगी भी तो बाहर, थ्रू किडनी जाएगी, थ्रू लीवर जाएगी, तो हेपेटिक एलिमिनेशन क्या रह जाता है, मेजर साइट आपकी होती है बायो ट्रांसफर लीवर, ब्लड में मिक्स होने के बाद जब इफेक्ट देने के बाद वो दो तरीके से निकलती है, लीवर किससे पास ऑन होती है और किडनी से पास ऑन होती है, ठीक है। लीवर इज द प्राइमरी साइट ऑफ मेटाबॉलिज्म एंड ऑलमोस्ट ऑल ड्रग्स, जितनी भी ड्रग्स हैं हमारी या तो यूरिन के थ्रू पास ऑन हो जाएगी, ठीक है, या फिर हमारे जो फीसिस के थ्रू हो जाएगी, उसमें पासवे हो जाते हैं आपके बायो ट्रांसफॉर्मेशन में, फेस फर्स्ट हो जाता है, ठीक है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन हाइड्रोलिसिस किसी भी ड्रग में, तो हम हर चीज को मैटर करके कोई भी ड्रग डिजाइन होती है, ठीक है। और दूसरा फेज सेकेंड में आ जाता है आपका, दो फेसिस होते हैं आपके बायो ट्रांसफॉर्मेशन में, एसिंथेटिक और सिंथेटिक। सिंथेटिक एसिंथेटिक में आ जाते हैं ऑक्सीडेशन होना, रिडक्शन होना, हाइड्रोलिसिस होना, फिर सेकंड में हो जाते हैं कंजुगेशन होना, ठीक है। हाँ, इसमें क्या हो जाता है आपका, ये आपने पर दो पे फेजेस हो गए। बायो ट्रांसफॉर्मेशन के फैक्टर्स क्या इफेक्ट करेंगे कि आपके बायोलॉजिकल फैक्टर्स पे आ जाओ आप, स्पीसीज डिफरेंस, कि ड्रग मेटाबोलाइज अगर किसी मैन में हो रही है तो लेबोरेटरी में एनिमल में पहले हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो कितने टाइम में हो रही है, ठीक है। सपोज हमने कोई रैट ले लिया, रैट पे एक्सपेरिमेंट मोस्टली हो जाए, वैसे तो आजकल नहीं होते हैं ड्यू टू एनिमल क्रुएल्टी है, बट अगर किसी लेबोरेटरी में एनिमल से टेस्ट कर रहा है वो,
तो कितना बायोलॉजिकल फैक्टर से इफेक्ट करेगी ड्रग, और या फिर किसी मैन पे या किसी पेशेंट पे इफेक्ट कर डाल रहे हैं, पेशेंट को इंटेक करवा रहे हैं, तो कितने इफेक्ट में होगी वो हो जाता है स्पीसीज डिफरेंस. यानी कि एनिमल एक अलग स्पीसीज है, ह्यूमन एक अलग स्पीसीज है. एनिमल में भी इफेक्ट डाला तो कितने टाइम में इफेक्ट किया ड्रग ने, और अगर यही ड्रग हमने किसी पेशेंट को डिलीवर करवाई तो कितने टाइम में करेगी. दैट इज कॉल्ड स्पीसीज डिफरेंसेस. एज डिफरेंसेस आ जाएगा. एज डिफरेंसेस में क्या है, सपोज कोई इन्फेंट है उसमें तो हम इतने एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते, ठीक है. टू टू फाइव ईयर्स के चिल्ड्रन है उनपे भी नहीं इफेक्ट, उनपे भी हम लोग ये एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते. यंग एज का बंदा है, सपोज ये लगा लो आपके 20-30 अराउंड का, तो वो कितने टाइम में इफेक्ट कर रहा है, ठीक है. 45 टू यही 50 टू 60 या 80 अराउंड का बंदा, उस पर कितने, उस पर क्या, उस पर भी हम एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते. चाहे और ओल्ड एज में तो हम नहीं इफेक्ट कर सकते ना. हाँ, ये आ जाते हैं आपके एज डिफरेंस. अब दूसरा इफेक्ट करता है डाइट. डाइट में क्या है कि आप किस तरीके की डाइट ले रहे हैं. लो प्रोटीन डाइट डिक्रीज करेगी, हाई प्रोटीन डाइट जो है इंक्रीज करेगी ड्रग मेटाबोलाइजिंग रेट को. अगर वैसे भी आपने कहीं भी सुना होगा प्रोटीन डाइट बहुत ज़्यादा फॉलोअप होती है, डॉक्टर्स बहुत सब्सक्राइब करते हैं, वो इसीलिए करते हैं कि मेटाबोलाइजिंग रेट इफेक्ट इम्प्रूव हो जाए, ठीक है. ये आपने पढ़ा है फैक्टर इफेक्टिंग बायो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ड्रग. अभी तक जितना करवाया वो क्लियर हो रहा है आपको? हाँ जी मैम. ठीक है, ठीक है. अब इसमें मेन आपका इस यूनिट में आपने जो पढ़ा है इसकी मेन समरी, समरी के जस्ट नॉर्मल अपना समझना कि ये क्या है. एक तरीके से डिलीवरी सिस्टम्स जो हमने बनाए हैं ना, जैसे मैंने पहले कल के लेक्चर में आपको बताया था कि हम क्या कर रहे हैं, फार्मास्यूटिकल्स डे बाय डे अपने आप को इम्प्रूव करता है पेशेंट की कंप्लायंस के अकॉर्डिंग, ठीक है. ड्रग रिसर्च जो होती है ना हमारी, एक ऐसा प्रोसेस है जो कि एक नोवल काम कर रहा है, एक अच्छा काम कर रहा है, ठीक है. नोवल ड्रग डिलीवरी. दिशा टायर्ड हो गई हो तो थोड़ा रेस्ट लेना है बेटे. हेलो हेलो. हाँ जी मैम. दिशा 5 मिनट्स का रेस्ट लो, इसे समझो. मैं अभी आपसे क्वेश्चन अराइज करती हूँ इसमें से, ठीक है. ठीक है. देखो इसे. हाँ हेलो.
हेलो, हेलो, हेलो दिशा, आर यू हाँ देयर? जी, हाँ जी मैम, हाँ हो गए रिफ्रेश? हो गया रिकॉल थोड़ा बहुत? जी मैम, हाँ जी। इसके ओवरऑल आप इसे ना बेसिक ये समझना कि ये हमारी जो ड्रग डिलीवरी सिस्टम है ना, हाँ ये जी मैम, हमारे इनके तरीके हैं कि इनके हमने इन्हें इन्हें ऐसे ढंग से डिजाइन किया है कि हमारी बॉडी में जब ये जाएं तो ये ऐसे ढंग से इफेक्ट करें बॉडी पे कि हर चीज को लेके, ऐसा ना हो कि बॉडी में जा रहे हैं इफेक्ट नहीं हो रहा। ठीक है, तो ड्रग रिसर्च पर्पस प्रोसेस ये होता है कि एक नॉवल काम कर मेडिसिनल एजेंट्स एक डिलीवरी सिस्टम में हम लोग ऐड करके दें ताकि हमारी जो मेडिकल, कई बार ऐसा होता है कि नॉर्मल चीज़ों से अगर हमारी मेडिकल नीड नहीं पूरी हो रही ना, तो हम उसके लिए मॉडिफाइड ड्रग डिलीवरी सिस्टम यूज़ करते हैं। उनका मेन एम ये होता है कि पोटेंशियल ड्रग मॉलिक्यूल्स का बढ़ाना, ठीक है, ड्रग को डेवलप करना, ड्रग के मॉलिक्यूल्स को बढ़ाना, उन्हें सेफ और एफिकेशियस डोजेज फॉर्म बनाना ताकि वो थेरेपेटिक एरिया में इफेक्ट दे। ठीक है जी। और इसके अलग अलग ऑरल जो रूट एडमिनिस्ट्रेशन है ना, उसको हम जस्ट एक इम्प्रूवमेंट दे, मॉडिफिकेशन देते हैं। मेन इसका ओके ये मैम, रोल प्ले है। ठीक है जी। ये ठीक आपकी है, हो गई है यूनिट फिफ्थ। ठीक है, ओके ये मैम, क्लियर हो गई है आपको? हाँ जी मैम, हाँ जी। तो ये डे बाई डे बेटा क्या होता है, फार्मास्यूटिक्स डे बाई डे ग्रो कर रहा है। ठीक है। ओके हाँ जी। आप इसमें अब आप पढ़ने जा रहे हो यूनिट सिक्स में बायो अवेलेबिलिटी और बायो इक्विवेलेंस के बारे में, और क्लिनिकल ट्रायल्स क्या होता है। क्लिनिकल ट्रायल्स से कुछ समझते हो? बायो अवेलेबिलिटी, जो हाँ जो सॉरी, ड्रग्स को बनाने से मार्केट में आने से पर जिन पे हम ट्रायल्स करते हैं,
उसका क्या इफेक्ट रहता है। हाँ हाँ, बायोअवेलेबिलिटी का तो मैंने आपको एग्जांपल समझाया था कि अपनी बॉडी एक बायोलॉजिकल सिस्टम है, चाहे वो किसी भी पेशेंट की लगा लो, कि अपनी बॉडी में ड्रग डोज कितनी अमाउंट में अवेलेबल हो रही है, दैट इज योर बायोअवेलेबिलिटी, और हाउ टू टेक एक्शन, दैट इज कॉल्ड फार्माकोकाइनेटिक्स। ठीक है, कि कितने टाइम में वो एक्शन कर रही है, ठीक है, दैट इज बायोअवेलेबिलिटी। फार्माकोकाइनेटिक्स में ये फर्क होता है, मोस्टली क्वेश्चन आ जाते हैं कि आप डिफरेंशिएट बिटवीन बायोअवेलेबिलिटी एंड फार्माकोकाइनेटिक्स, या बायोअवेलेबिलिटी एंड बायोइक्विवेलेंस से आप क्या समझते हैं। ठीक है, ओके। हाँ, तो इसमें अब हम डेफिनेशंस हम इसकी देख चुके हैं, बायोफार्मास्यूटिक्स का भी मैं आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, स्टडी ऑफ फैक्टर्स है जो कि बायोअवेलेबिलिटी को इफेक्ट करते हैं, बताया था ना, मैन और एनिमल्स का स्पीशीज पे डिफरेंशिएट, वो बायोफार्मास्यूटिक्स में आ जाता है, जो कि हमने यूनिट 5 में प्रीवियस पढ़ चुके हैं। ठीक है, बायोइक्विवेलेंस में ये हो जाता है, देखो दो ड्रग प्रोडक्ट है हमारी, इक्वल डोज में हम लोग ले रहे हैं, ठीक है, और उनके बायोअवेलेबल हमने दो ड्रग्स लिए, उनकी कितनी डोज ऑफ ड्रग हमारी बॉडी में अवेलेबल हो रही है, ठीक है, वो हो रही है अपनी बायोइक्विवेलेंस, अ टाइम ऑफ कोर्स ऑफ ड्रग इन द ब्लड फ्लोइंग विद द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ बोथ प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो जैसे मानो कोई हम दो सॉल्ट ले रहे हैं, ठीक है, लेकिन क्या है, उनकी आपस में ही मिक्सिंग मैचिंग नहीं हो रही है, बायोइक्विवेलेंटी नहीं कर पा रहे हैं, तो वो बॉडी में क्या इफेक्ट देंगे, तो टू ड्रग प्रोडक्ट्स कंटेनिंग इक्वल डोज ऑफ ड्रग विल बी सेंट टू अ बायोइक्विवेलेंट, इक्वल डोज देना दो प्रोडक्ट्स। ठीक है, उसके बाद आते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ बायोइक्विवेलेंस, इसकी बायोइक्विवेलेंस की इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों करते हैं, इसमें क्या हो जाता है, जब हम कोई मैन्युफैक्चरिंग करते हैं ड्रग्स की अलग अलग बैचेस की स्पेसिफाइड क्वांटिटी में या नंबर्स में, तो ये हमें ज़रूरी हो जाता है कि हम लोग एक ऐसा यूनिफॉर्म डिलीवरी सिस्टम बनाएं कि जो कि हमारी ड्रग को डिलीवर करे इन अ यूनिफॉर्म मैनर, ठीक है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करे बॉडी के अंदर, ऐसा ना हो कि किसी एक केमिकल की वजह से दूसरे केमिकल पर इफेक्ट जा रहा है या बायोइक्विवेलेंट नहीं कर पा रहा है। ठीक है, ये इसकी इम्पॉर्टेंस हो जाती है बायोइक्विवेलेंस में। इसमें क्या हो जाएगा, आप इसमें भी डे बाय डे बायोअवेलेबिलिटी में भी काम करते रहते हैं, फार्मास्यूटिक्स में अपनी फार्मेसी में डे बाय डे ग्रो कर ही रहा है। ठीक है, जनरल अवेयरनेस होगी जैसे बायोअवेलेबिलिटी के बारे में, बायोफार्मास्यूटिक्स के बारे में, आजकल ये टॉपिक्स बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं। ठीक है, इसमें आप क्या फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं बायोअवेलेबिलिटी पे, ठीक है, सबसे ज्यादा फैक्टर्स इफेक्ट करता है किसी भी ड्रग का पार्टिकल साइज, कि आपका पार्टिकल साइज क्या है, किसी भी ड्रग का अगर पार्टिकल साइज छोटा होगा ना, सरफेस एरिया ज्यादा होगा, तो वो बॉडी में जाके जल्दी डिसॉल्व करेगी। सपोज जैसे जस्ट नॉर्मल एग्जांपल होगा कि आपने वो देखे चीनी है, हां जी, शुगर के पार्टिकल्स होते हैं, आप स्टेयर करते हो, टाइम लगाते हैं, ठीक है, इसी जगह पे आपने वो देखा होगा घर में एग्जांपल बूरा होता है ना, हाँ जी, शुगर पाउडर, पाउडर फॉर्म में होता है, ठीक है, यही आप उसको पानी में डिसॉल्व हो, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में डिसॉल्व हो जाएगी। उसका लॉजिक क्या होता है कि उसके पार्टिकल्स होते हैं, जितने छोटे पार्टिकल्स होंगे उस सरफेस एरिया उतना ही बड़ा होगा और बॉडी में जाकर उतनी जल्दी डिसॉल्व होगा। ठीक है, तो फर्स्ट तो हमारी ड्रग में भी वही पार्टिकल साइज इफेक्ट करता है, जितना छोटा पार्टिकल होगा सॉल्युबिलिटी या सरफेस एरिया उतना राइज अप होगा, उसी अकॉर्डिंग इफेक्ट करें। ठीक है जी, दूसरा कि शेप क्या है ड्रग की, क्रिस्टलाइन में है या अमॉर्फस में है, अगर क्रिस्टलाइन में है तो थोड़ा इफेक्ट डालेगा, मतलब इफेक्ट का मतलब थोड़ा टाइम लगाएगा, अमॉर्फस होगा यानी कि कोई शेप ही नहीं है तो वो इजिली अनसॉल्युबल हो जाएगी। ठीक है, जैसे कि अभी आपको शुगर का एग्जांपल दिया ना, वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में क्रिस्टल्स होती हैं एक तरीके से, अमॉर्फस है, सपोज कोई भी चीज है जिसकी कोई शेप नहीं है वो इजिली डिसॉल्व हो जाएगा। सॉल्ट की फॉर्मेशन क्या है, कितना हाइड्रेशन कर रहा है, सॉल्युबिलिटी कितनी जा रही है, ठीक है,
किसी पर ड्रग का रोल प्ले क्या होता है, पहले की हमारी जो डोजेज फॉर्म है ठीक है वो डिसइंटीग्रेट करेगी, फिर डीएग्रीगेट करेगी. कोई भी डोजेज फॉर्म है हमारी वो पहले डिसइंटीग्रेट करेगी ठीक है, छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाएगी, फिर डीएग्रीगेट करेगी. अगर आप ये देख रहे हो कि ये जो टाइप्स है ना आपकी, कि कोई डोजेज फॉर्म है वो ज्यादा टाइम लगा रही है, अगर वही डिसइंटीग्रेट पार्टिकल्स है वो जल्दी सॉल्युबल हो रहे हैं, डीएग्रीगेशन वाले पार्टिकल्स है वो थोड़ा और जल्दी हो जाएंगे, और फाइन पार्टिकल्स है, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल समझाया ना, क्योंकि जितना छोटा पार्टिकल होगा सरफेस एरिया उतना ही बड़ा होगा. ठीक है, तो ये आपने अभी तक समझा है, ये अपने बायोअवेलेबिलिटी के बारे में जाना है. ठीक है, उसके क्या फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं, ये कुछ फैक्टर्स हैं जो उसके इफेक्ट करते हैं. ठीक है, अब आप देखोगे कि आपने ये आपके आगे ओरल लिक्विड डोजेज फॉर्म ये आप पढ़ चुके हो. ठीक है, सस्पेंशन डोजेज फॉर्म ये आप पढ़ चुके हो. ठीक है, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में क्लियर करवा दिया है. पेरेंट्रल रूट्स का पूरे हम यूनिट कर चुके हैं, तो आई डोंट थिंक सो हमें ये बताना पड़ेगा, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है. वही है कि कितने टाइप्स का होता है सबसे इंट्रा मस्कुलर. ठीक है, अब आ जाते हैं हम क्लिनिकल ट्रायल्स पे. क्लिनिकल ट्रायल्स में क्या हो जाता है, जो आपने बताया था ना ऑप्शन, क्लिनिकल ट्रायल्स में कि क्या है कि कुछ जगहों पर जहाँ रिसर्च होती है वहाँ पर क्या करते हैं कि नॉर्मल लैंग्वेज में समझना, बुकिश पे जब आप पढ़ोगे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा. ये आप क्लिनिकल ट्रायल्स का चैप्टर खोल लेना 6.3 पेज पे. ठीक है, इसमें क्या है कि नॉर्मली एक रिसर्च की जगह है जहाँ पे 10 लोगों को सही रखा जाता है. ठीक है, हेल्थ वाइज भी ठीक होते हैं, एक जगह पे एक्सपेरिमेंट किया जाता है कि कितना उनको डोज इंजेक्ट करी जाती है, उनकी मर्जी से की जाती है. ठीक है, टाइमली उनके ऊपर क्लिनिकल ट्रायल्स चलते हैं. कुछ लोग अपनी मर्जी से करवाते हैं, कुछ लोग ऐसे होता है जैसे कि किसी के फाइनेंशियली ठीक नहीं है वो, तो क्या होता है रिसर्च वाले ले जाते हैं अपने साथ और वो चले भी जाते हैं. ठीक है, क्लिनिकल तो उसमें क्या है, वो इन विट्रो भी एक्सपेरिमेंट करते हैं और इन वीवो यानी कि उन पेशेंट्स की बॉडी पे इफेक्ट डोज को इंजेक्ट करके या डोज को देकर डोज को इनटेक करवा के उनको इफेक्ट करवाते हैं. ठीक है, okay. और नॉर्मली नॉर्मल बंदों को भी रखा जाता है जो बिल्कुल फिट एंड फाइन है, और डिजीज वालों को भी रखा जाता है, फिर देखा जाता है कितने टाइम पीरियड में आराम कर रहा है. दैट इज कॉल्ड क्लिनिकल ट्रायल्स, क्लिनिकल स्टडीज की जाती है. ठीक है, ये आपकी क्लिनिकल ट्रायल्स है. ओके मैम. हाँ, क्लिनिकल ट्रायल्स कुछ रिसर्च एरियाज में कंडक्ट किए जाते हैं, मैंने आपको बताया ना, जैसे कुछ पेशेंट क्लिनिकल स्टडीज के लिए रखे जाते हैं वहाँ पे, जिनमें टाइमली प्रॉपर उन्हें डाइट दी जाती है, प्रॉपर उन पर इफेक्ट किया जाता है, क्या डोज देनी है, कितने टाइम पीरियड में देनी है, कितनी डाइट उनकी चलेगी. ठीक है, हेल्दी बंदों की भी और डिजीज वालों की भी. उससे क्या है, वो इम्प्रूव करवाते हैं अपने ड्रग्स को. जैसे ह्यूमन क्लिनिकल फार्माकोलॉजी हो गई.
है ही नहीं। हेलो मैम, आर यू देयर?
दे दिया दे रही। हेलो हेलो आपको आवाज आ रही है? एक्चुअली तो टेक्निकल प्रॉब्लम है। हाँ जी मैम। हाँ हम यूनिट सेकंड पे थे ना? हाँ जी मैम। हाँ हाँ ये सब कर लिया था, हम लास्ट समरी कर रहे थे क्लिनिकल ट्रायल्स में। हाँ जी, तो इसमें आपको मैंने मोस्टली बेस बता दिया है क्लिनिकल ट्रायल्स का, कि मेन क्लिनिकल ट्रायल्स में होता क्या है। ठीक है, अभी तक आपको ये यूनिट 4, 5, 6 में कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। नो मैम। यूनिट 7 स्टार्ट करें, हो गया रेस्ट? मैं बीच बीच में आपको इसीलिए भी रेस्ट दे रही हूँ। हाँ जी मैम। हाँ जी, तो हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये भी वही है, बायो फार्मास्यूटिकल्स के बारे में है जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं। हाँ जी मैम। इसमें वही है कि आपको कितने टाइम पे दे पा रहे हैं। ठीक है, वही कितने बायोलॉजिकल सिस्टम पे जाती है वो चीज। और एक सेकंड में भी आ रही। ठीक है, आप इतना इसको देखो, थोड़ा सा रिकॉल करो। ठीक है मैम। इसमें भी वही चीज है, इसमें ये बताया गया है कि 1980s के टाइम में कैसे इस पे काम किया गया था। ठीक है, बायोफार्मास्यूटिक्स जो टर्म थी ना, ये 1980 से डिराइव हुई थी, 1980 में यूज हुई थी। ठीक है, यूज इन 1980 यूज टू क्लासिफाई टाइप ऑफ थेरेप्यूटिक प्रोटीन प्रोड्यूस्ड बाय बायोटेक्नोलॉजिकल मेथड्स सच एज जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में पढ़ा भी होगा आपने, सुना भी होगा ये नाम। ठीक है, यस मैम। हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी हो गई, द फर्स्ट सब्सटेंस अप्रूव्ड फॉर थेरेप्यूटिक यूज। उस टाइम में सब्सटेंस अप्रूव किया गया था जब इस पर रिसर्च हुई थी कि हाँ ये थेरेप्यूटिक एक्शन के लिए काम करता है। ठीक है, जब बायोलॉजिकल सिस्टम के साथ और फार्मास्यूटिकल सिस्टम बायोलॉजिकल सिस्टम के लिए यूज किया जाए करते हैं बायोफार्मास्यूटिकल। ठीक है, अब इसमें आ जाते हैं जैसे ह्यूमन इंसुलिन, उस टाइम में इंसुलिन हो गई। ठीक है, बायोफार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट क्या है? ह्यूमन इंसुलिन। मेन हमारा मोटिव क्या होता है? जनरेशन फास्टर एक्टिंग इंसुलेशन, कि एक्ट फटाफट से करे इंसुलिन पे। ठीक है, मॉडिफिकेशन ऑफ अमाइनो एसिड सीक्वेंस, बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन हमने उसमें क्या किया कि हमने अमाइनो एसिड सीक्वेंसेस में कर दिया, डिस्क्रिप्शन ऑफ टाइप फास्ट एक्टिंग इंसुलिन। ठीक है, एक मोड ऑफ एक्शन चेंज करना ताकि हमारे बॉडी पे इफेक्ट करे। ठीक है, ये हो जाता है। अब इसमें क्या है, डे बाय डे जैसे मॉडिफिकेशन हर चीज पे हो रही है। ठीक है, इसमें कुछ जैसे हमने मार्केट में प्रोडक्ट्स आए हैं, जैसे टोक्रेट आपने सुनी होगी, ईकोजिन सुनी होगी। ठीक है, हाँ ईकोजिन का इंटरफेरॉन के बारे में पढ़ा होगा। एक तो क्लोथोक्रेट को ट्रीटमेंट ऑफ एनीमिया के लिए यूज होती है, एपोजिन अपने एक्सोप्रोटीन के साथ यूज होती है। ठीक है, और इंट्रॉन की ल्यूकेमिया के लिए यूज होती है। ठीक है, उसके बाद हाँ जी जैसे क्लिनिकल ट्रायल्स का पढ़ लिया, बायोफार्मास्यूटिक्स का हो गया। इसमें पता क्या होता है, अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग ड्रग को मोल्ड करना, क्लोनिंग वेक्टर्स हो गए, जैसे अ नंबर ऑफ वायरसेस हैव बीन यूज्ड एज वेक्टर इंक्लूडिंग वायरल बैक्टीरियल वायरसेस, इंसेक्ट वायरसेस, मैमलियन रेट्रोवायरसेस। ठीक है, मोस्टली इसमें यूज होते हैं, आइसोलेशन होना, क्लोनिंग ऑफ फ्रेगमेंट्स, क्लोनिंग करना, चीजें चेंज होना। आप कई बार देखते हो आज की क्लोनिंग बहुत हो रही है। ठीक है, हाँ जी मैम। हाँ, वो क्या करते हैं, डीएनए मॉलिक्यूल्स जो हमारे लॉन्ग लीनियर फ्रेजाइल होते हैं नेचर में, उनमें क्या करते हैं, एक थ्रू सीरिंज नीडल के थ्रू सस्पेंशन को पास करवाते हैं। इसमें की फ्रेगमेंटेड डीएनए सेपरेट होकर इलेक्ट्रोफोरेसिस में इंसर्ट करवाते हैं वेक्टर के थ्रू, इम्प्लांट
और वही है कि मोड ऑफ एक्शंस चेंज करना, मॉडिफिकेशन कहीं पे कुछ चेंजेस करना ताकि वो अच्छे से इफेक्ट दे, वो चीज़ हो जाती है। जैसे बायोफार्मास्यूटिकल सोर्सेज हो गए, ठीक है। अब सोर्स क्या है इसकी, मार्केट में रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन्स आते हैं जैसे इसके बारे बोलने के माइक्रोबियल एक्शन करते हैं, ठीक है। दिस काइंड ऑफ मेथड यूज विद द हेल्प ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ जीन्स डीएनए, ठीक है, कोडिंग ऑफ द रिक्वायर्ड टाइप ऑफ प्रोटीन सूटेबली कैरेक्टराइज स्ट्रेन ऑफ द सिलेक्टेड प्रोड्यूसर सेल, ठीक है। इसमें एक आ जाता है बायोफार्मास्यूटिकल सोर्स, बायोलॉजिकल सोर्स के थ्रू मिलना। एक हो जाता है रिकम्बाइन करना ताकि थेरापेटिक और रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन्स यूज करना, जैसे कि फंगी, यीस्ट, ठीक है, ट्रांसजेनिक एनिमल हो गए, इंसेक्ट सेल कल्चर हो गया, प्लांट बेस्ड सिस्टम हो गए, ठीक है, वो चीज़ें हो जाती हैं। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज। मोनोक्लोनल तो नाम से ही समझ गए आप लोग, जिसमें कि वन एक हो, ठीक है, यूज इन द मैन्युफैक्चर जेनेटिकली इंजीनियर्ड प्रोटीन, ठीक है, एज बी आइसोलेटेड द डिजायर्ड प्रोटीन प्रोडक्ट, सो इट कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम जंबल ऑफ मॉलिक्यूल्स। सेपरेट करना मॉलिक्यूल से मोनोक्लोनल, ठीक है, एक सेल बॉडी लेना, तो वो आपके मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज में आते हैं, जिसमें आपके आते हैं एक तो बी सेल्स आते हैं, ठीक है, टाइप ऑफ मैप्स आते हैं, ठीक है, मैप्स आपके इम्यूनोग्लोबुलिन होते हैं सिंगल स्पेसिमेन लिम्फोसाइट्स में। अरे वहां मत जा। मोनो स्पेसिफिक मैम, बाई स्पेसिफिक मैम और उसमें क्या है, और आपका हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी प्रोडक्शन ऑफ स्टेबलाइज्ड एंटीबॉडीज के लिए यूज होती है, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होता है इसमें हाइब्रिडोमा में, प्रोडक्शन ऑफ मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज होती है, कितनी एंटीबॉडीज बन रही हैं, ठीक है, उसका इसमें होता है, जैसे ट्यूमर हो गया, ट्यूमर इमेजिंग में, इम्यूनोडायग्नोस्टिक में, इम्यून सिस्टम को इम्प्रूव कर देना, किसी का ऐसा होता है ना कि इम्यून सिस्टम बिल्कुल ही वर्क नहीं कर रहा, वो कर ही नहीं रहा, तो डिजीज के अकॉर्डिंग कैसे काम करेगा। उस टाइम में क्या होता है, ये चीज़ों का हमें नई नई इनोवेशन आती रहती है, ठीक है, तो जैसे हो गया, और मोस्टली तो फिर इनके एक्सपेरिमेंट किस पे करते हैं, माइस पे करते हैं, आई वी इंजेक्शन देंगे, ठीक है, उस पर देखेंगे कितना फ्यूजन हो रहा है, कितने टाइम पे इफेक्ट कर रहा है। कई बार आपने देखा भी होगा लैब्स में पुराने टाइम में एक्सपेरिमेंट हुआ करते थे कि अगर किसी को ये देखना है ना कि कितनी मेडिसिन आराम कर रही है, तो क्या करते हैं, ब्लड डोज कर्व जो होता था वो लैब पे इंप्लीमेंट करते थे, उसको रोटावायरल टेबलेट्स आपने देखा होगा, रोटावायरल टेबलेट्स पे लैब को रन करवाया जाता था, उस ड्रग को इम्प्लांट करवाते इंजेक्ट करवाते कि कितने टाइम में कर रहा है, यानी कि अगर एनेस्थीसिया भी उसको दिया है ना, उसके बाद उसको रोटावायरल टेबलेट्स पे चलाते थे कि हाउ मच टाइम इट विल टेक, ठीक है, कि कितना टाइम वो ले पा रहा है। तो ये माइस का एग्जांपल हो गया, जैसे प्लाज्मा सेल्स का हो गया, तो हर टाइम में एक मॉडिफिकेशन के अकॉर्डिंग, कभी ऐसा होता है कि ड्रग में चेंजेस करते हैं, कभी ऐसा होता है कि बॉडी में भी कई बार कुछ चेंजेस करने पड़ जाते हैं, जैसे इम्प्लांट हो गए, कोई बॉडी अगर नहीं काम कर रहा, इम्प्लांट्स आ गए मार्केट में, ब्रेस्ट इम्प्लांट हो गए, ठीक है, कोई ये चीजें नहीं काम कर रही है, तो क्या हो गया, फिर इसमें मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज अंदर करके, एंटीबॉडीज का रोल प्ले क्या होता है, एंटीबॉडीज हमारी जो है ना, उनका मेन मोटिव ये होता है कि डिजीज के अकॉर्डिंग, डिजीज के अराउंड लड़ना। यस सर, सुना भी होगा एंटीजन्स, एंटीबॉडीज वो इसलिए जनरेट होती है, और नॉर्मली अभी वो नॉर्मल लैंग्वेज में समझा रहे हो कि इसको स्टेबल होता है, अब हमारा बॉडी टेम्परेचर राइज होता है, उसका मतलब क्या है कि हमने मेडिसिन नहीं ली, हम कहते हैं ना फीवर हो रहा है, हमारे अंदर के जो एंटीजन्स या एंटीबॉडीज है वो उस डिजीज के खिलाफ लड़ना शुरू हो जाती है, ठीक है, जब वो लड़ती हैं तो क्या होता है, हमारी बॉडी टेम्परेचर राइज होता है, ये तो हो गया हमारा नॉर्मल, हम हेल्दी पर्सन हैं, कभी कभी फॉर अ टेम्परेचर वेरिएशन हम वायरल हो जाते हैं, ठीक है, तो हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट काम कर लेती है, ना ऐसा कुछ ऐसी माइल्ड डिजीजेज या ये कह दो आप क्रॉनिक डिजीजेज आ जाती हैं, जिनके अकॉर्डिंग हमारे ऑर्गन्स भी काम करने में सक्सेसफुल नहीं होते, उस केस में हम लोग क्या करते हैं, उस केस में ये नई टेक्नोलॉजीज जो हमारी होती हैं, वो बायोफार्मास्यूटिक्स जो है वो उस चीज़ को इम्प्रूव करती है, ठीक है, उस चीज़ को वो इम्प्रूव करती है ताकि हमारा मोड ऑफ ड्रग एक्शन इफेक्ट कर सके, ठीक है, ठीक मैम। ये आपकी है यूनिट 7 जो कि आपने कर ली, ठीक है, इसमें से कोई क्वेरी हो, कहीं आपको कुछ पूछना हो तो बताइए। नो मैम।
अच्छे से समझ में आया। हो रहा है ना, वो ये है कि देखो डे बाय डे क्या होता है कि हर हमारी जो फार्मेयर फार्मा है वो डे बाय डे ग्रो कर रहा है, मॉडिफाई हो रहा है। आज जो चीजें हमारी मार्केट में, जरूरी नहीं कि 10 साल बाद भी यही है, इससे मॉडिफाइड भी मिलेगी, ठीक है। तो ये और कुछ कहीं जगह पे जग को चेंज करते हैं, कहीं जगह पे अगर हमारे ऑर्गन्स काम नहीं करते, हमें हमारी बॉडी को उस अकॉर्डिंगली मेडिकल टर्म काम करते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं यूनिट 8, ठीक है। जब आप इसे और अच्छे से गो थ्रू करोगे तो आप और अच्छे समझ पाओगे। अब आप समझोगे कॉस्मास्यूटिकल, इसमें आपको इंटरेस्ट भी आएगा क्योंकि बीइंग अ गर्ल आप उस चीज को बहुत अच्छे से समझ पाओगे। हाँ, इसमें क्या है, देखो फार्मा की बहुत वाइड वेरिएशन है, फार्मास्यूटिकल में भी जाता है, कॉस्मेटिक्यूटिकल भी है, न्यूट्रास्यूटिकल भी है, ठीक है। अभी आप पढ़ रहे हो कॉस्मेटिक में, जिसमें कि आपके वाइड टॉपिक्स रहेंगे, कॉस्मेटिक आया कहाँ से, इसकी हिस्ट्री क्या है, क्लासिफिकेशन क्या है कॉस्मेटिक की, स्किन में कैसे कॉस्मेटिक काम करता है, हेयर्स पे कैसे काम करता है, नेल्स में नेल पेंट ऑब्वियस सी बात है सबने देखी है, ठीक है, टूथ पे कैसे काम करता है, ये आपके कुछ कॉस्मेटिक्यूटिकल आपका इसमें रहेगा। कॉस्मेटिक क्या है हमारे, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के अकॉर्डिंग ये मार्केट में आया है, ठीक है। इसमें क्या है, आपके मोस्टली कॉस्मेटिक की हिस्ट्री क्या रहती है, कॉस्मेटिक आपका ग्रीक वर्ड है, कॉस्मेटिकोस का मतलब होता है एडॉल, किसी चीज को अवेल करना, किसी चीज को लेना, ठीक है। दैट टाइम एनी मटेरियल यूज फॉर ब्यूटिफिकेशन इम्प्रूवमेंट ऑफ अपीयरेंस। कॉस्मेटिक्स आपको ज्यादा डिफाइन करने की मुझे जरूरत ही नहीं है, ये नॉर्मल वर्ड किसी लेमैन को या छोटे बच्चे को भी पता है कि क्रीम लगाने से क्या होता है, ठीक है। तो वो क्योंकि कॉस्मेटिक के बारे में कहीं ना कहीं हम लोग जानते ही हैं, हम लोग फैमिलियर हैं उस चीज से। तो क्या है, ब्यूटिफिकेशन और इम्प्रूवमेंट ऑफ अपीयरेंस, अपने आप को अच्छा बनाना, इम्प्रूव करना, दैट इज कॉल्ड कॉस्मेटिक्स, ठीक है। पुराने टाइम में क्या होता था, जब मार्केट में चीजें नहीं होती थी तो बैंगल्स नेकलेसेस जो होते थे ना, पुरानी रॉक्स को तोड़कर, या पुरानी अर्ली सिविलाइजेशन में कभी आपने देखा पुराने म्यूजियम्स में गए हो तो वहां पे क्या होता है कि आप देखोगे ना बैंगल्स भी उनकी अलग ढंग की होती थी, नेकलेसेस भी उनके, यानी कि उस टाइम में भी लोग इस चीज से अवेयर थे कॉस्मेटिक्स से, ठीक है। पुराने आपने देखे होंगे उबटन टर्मरिक के आते हैं, पुराने टाइम में क्या कहा जाता था, उबटन, ठीक है, जिनको हम नॉर्मल लैंग्वेज में आजकल मॉडिफाइड होकर फेस पैक्स बोलते हैं, बोलते हैं ना, तो वो चीज हो जाती है। फ्रॉम एशियन टू टिल राइट नाउ वी आर इन्वॉल्विंग इन कॉस्मेटिक्स, ठीक है। उसके बाद आ जाता है कॉस्मेटिक आपकी दो तरीके की होती है, एक तो स्किन पे यूज होती है, ऑब्वियस सी बात है सबको पता है, दूसरा कॉस्मेटिक हेयर्स के लिए यूज होते हैं, हेयर्स के, नेल्स के लिए, हाइजीन के लिए, डेंटल वॉशिंग, सोप्स हो गए, ठीक है। इसमें क्या है, चार तरीके की आपकी क्लासिफिकेशन रहेगी कॉस्मेटिक की, एक तो स्किन की रहेगी, हेयर्स की रहेगी, नेल्स की रहेगी, हाइजेनिक रहेगी। तो क्लासिफिकेशन कैसे रहेगी, स्किन में आपके क्या आ जाते हैं, पाउडर, कॉम्पैक्ट, फेस पाउडर देखे हैं, है ना, डिफाइन करने की जरूरत नहीं, क्रीम्स देखे हैं, लिपस्टिक, लोशंस, लिपस्टिक, कोल्ड क्रीम्स, हाँ, तो ये आपके ना, ये तो हो गई नॉर्मल आपको लैंग्वेज में पता है, इसके टाइप हो जाए पाउडर, कॉम्पैक्ट, क्रीम, लोशन और कलरेंट में आपके आते हैं लिपस्टिक और रोजेस। रोजेस माने की जैसे लिप बाम होते हैं ना आपके, जो लाइट कलर देते हैं वो आपके लिपस्टिक और रोजेस में, लोशंस में आपको होते हैं स्किन लोशन, एस्ट्रिंजेंट लोशन, ठीक है। क्रीम में आपके आ जाते हैं ऑल पर्पज की क्रीम जो होते हैं ना, मसाज क्रीम, कॉस्मेटिक क्रीम, कोल्ड क्रीम्स, ये सब आपकी स्किन में आ जाते हैं। हेयर्स में आपके क्या रहेंगे, अब कोई जेंट्स है तो वो शेविंग प्रिपरेशन लगाएगा, ठीक है। यस मैम। और नॉर्मल जेंट्स या लेडीज है शैम्पू, हेयर लोशन सब लगाते हैं, हेयर डाइज ओल्ड एज के लोग, ठीक है, और हेयर कंडीशनर, हेयर जेल हो गई, ठीक है। नेल्स में क्या आ जाता है, नेल लैक्वर आपने देखे होंगे, लैक्वर रिमूवल भी देखे हैं, नेल पॉलिश रिमूवल भी देखे हैं, और एक होता है ना क्यूटिकल रिमूवल, कुछ ऐसे भी प्रिपरेशन आती है जो क्यूटिक्स को जो नेल्स के साइड में होते हैं, ठीक है। दूसरा होता है हाइजेनिक, यानी कि डेंटल प्रिपरेशन, वो डेंटल प्रिपरेशन जिसमें टूथ पाउडर आ जाता है, पेस्ट आ जाता है, डेंटल फ्लॉसेस आ जाती है। अब आपने पढ़ ली है देखो क्लासिफिकेशन, ठीक है, प्री स्किन के बारे में, स्किन का आपका क्या हो जाता है, स्किन के कई लेयर्स होते हैं ये सभी को पता है, ठीक है। क्यूटेनियस लेयर होगी, सबक्यूटेनियस होगी, फैटी टिश्यूज होते हैं, डर्मिस होती है, एपिडर्मिस होती है, स्ट्रैटम कॉर्निया होता है। आप अभी डायग्राम ऑफ स्किन पे जाएंगे, ठीक है, उसको गो थ्रू करो,
तो उसमें आप देखोगे सबक्यूटेनियस लेयर है, ठीक है, डर्मिस है, एपिडर्मिस है, ठीक है, उसमें से कैसे हमारी मेडिसिन या कैसे हमारा कॉस्मेटिक, मेडिसिन भूल जाओ, कॉस्मेटिक में है हमारी, ठीक है, कैसे हमारा अंदर जाता है। एपिडर्मिस की भी कई लेयर्स होते हैं जिसमें स्ट्रेटम कॉर्निया होती है हमारी, ठीक है, स्ट्रेटम ल्यूसिडियम होती है, स्ट्रेटम ग्रैनुलोसम होती है, स्ट्रेटम स्पाइनोसम होती है, स्ट्रेटम जर्मिनेटम होती है, ठीक है, ये पांच तरीके की हमारी हमारी एपिडर्मिस में टाइप होती है जो लेयर्स हमारी स्किन की कवर होती है। फिर आ जाते हैं हम डर्मिस पे, डायग्राम आप डर्मिस पे आ जाओ, ठीक है, जिसमें आपका जो अपर वाला लेयर है वो स्ट्रेटम कॉर्नियम होता है, जो मिड में आ जाएंगे लिविंग डर्मिस होते हैं एपिडर्मिस, आप और अंदर जाएंगे डर्मल वेसिकुलेचर होता है, और फिर एक्राइन ग्लैंड डक्ट होता है, ठीक है, ये हमारे स्किन के टाइप्स है, ठीक है। चलिए जी, अब आपने ये देख लिया सबक्यूटेनियस टिश्यू, ठीक है, स्किन एपिडर्मिस, थोड़ी सी भी चोट लगती है स्किन पे आपके अंदर की लेयर्स देखनी शुरू हो जाती है ना, तो हमारी स्किन है ना वो एक लेयर में कंसिस्टेंट नहीं है, उसमें कई सारे लेयर्स है, डर्मिस, एपिडर्मिस, सबक्यूटेनियस टिश्यू, स्किन एपिडर्मिस। अब देखते हैं कि कॉस्मेटिक में फेस पाउडर्स होते हैं, ठीक है, फेस पाउडर हमारे कहाँ लगाए जाते हैं, ऑब्वियस सी बात है फेस पे ही लगाए जाते हैं, ठीक है, पाउडर कॉम्पैक्ट हो गए जितने भी, कुछ ऐसा हो जाता है कि मेडिकेटेड पाउडर्स भी आते हैं, कुछ कॉस्मेटिक पाउडर्स भी आते हैं, ठीक है, डिओड्रेंट्स पाउडर भी आते हैं, कुछ ऐसा होता है कि डिओड्रेंट्स पाउडर माने की स्मेल किसी की बॉडी में रहती है, तो डिओड्रेंट पाउडर होते हैं ना, अपने नाइसिल देखा है आपने, ठीक है, नाइसिल हो गया या कोई भी आपने नॉर्मल पाउडर हो गए, बॉडी पाउडर वो हो गए, फूड पाउडर हो गया, ये आपके फेस पाउडर हैं, ठीक है, इस पर ज़्यादा कुछ मुश्किल नहीं है, प्रिपेशन में क्या करोगे, सिंपल मिक्सिंग होती है पाउडर की, परफ्यूम डालते हैं उसमें कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट के साथ फ्यू कॉम्पोजिशन ऐड करने के बाद हमारा फेस पाउडर रेडी हो जाता है, ठीक है जी। इसके नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि क्या यूज है फेस पाउडर का, फेस पाउडर के बारे में आप क्या जानते हो, कोई भी क्वेश्चन ऐसे आते हैं, कॉस्मेटिक से क्या, कॉस्मेटिकल क्या होता है, उसकी क्लासिफिकेशन, द क्लासिफिकेशन ऑफ द कॉस्मेटिक्स, ठीक है, उसकी वाइड वैरायटी, स्किन का डायग्राम आ जाता है, ठीक है। अब आ जाते हैं स्किन कॉल्वेंट पे, ठीक है, स्किन कॉल्वेंट पे आ जाता है आपका, आपने पहले पहले भी बताया था, मैंने भी आपको बताया है, these are applied to the skin on the face and lips and are called rouge and lipstick. Lipstick is used to impart an attractive color, glossy and moist appearance to the lips. They are basically dispersion of curving matter in a base consisting of suitable blend of oil. कुछ oils, fat, waxes के through जो हमारी solvent add करने के बाद जो preparation बनती है उसको हम lipstick कहते हैं, ठीक है। उसके बाद usual color mostly होते हैं आपके pink होता है, red होता है, brown होता है, इन्हीं की शेड्स लेके और शेड्स आ जाती है, ठीक है। टिंट आप आजकल टिंट भी मार्केट में बहुत चल रही है, देखे भी होंगे आपने, नायका पे आते हैं, ठीक है, एडिंग ऑफ आयरन ऑक्साइड्स होती है, आयरन ऑक्साइड्स होती है, ऑर्गेनिक पिगमेंटेशन होती है, वाटर सोल्यूबल ऑर्गेनिक कलर्स होते हैं, ये कुछ मतलब सॉल्ट्स के साथ मिक्स करके कुछ कलर एड ऑन करके जो हमारी प्रिपरेशन बनती है उसको हम कहते हैं लिपस्टिक, ठीक है, ये और उस वही स्किन कलरेंट में आ जाता है, इसमें क्लेंजिंग क्रीम्स आ जाती हैं आप आगे, ठीक है, फाउंडेशन और गार्निशिंग क्रीम आ जाती हैं, मसाज क्रीम देखी होंगी, बॉडी क्रीम्स देखी, सनस्क्रीन देखी होंगी, डे रूटीन पे यूज होने वाले हैं, इसमें कुछ बहुत आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली। क्लेंजिंग क्रीम है जो कि क्लेंजिंग का काम क्या है, जो फेस की डर्ट को, ग्रीस को रिमूव कर सके। दीज आर अप्लाइड टू रिमूव फेशियल मेकअप, सर्फेस ब्लाइंड ऑयल, ठीक है, सर्फेस ऑयल को रिमूव करने के काम आती है, ठीक है, ये आपका क्लेंजिंग होगी। वैनिशिंग क्रीम में क्या हो जाता है कि सपोज आपको क्या है, वैनिशिंग क्रीम में आ जाती है आपकी, ये आपने देखे कॉन्टूरिंग देखी होगी फेशियल की, कभी आपने मेकअप की वीडियोस देखी हो, ठीक है, आई मास्क होते हैं, ठीक है, उसमें कुछ फेस मास्क, हाँ जी, फेस मास्क हो गए, या ऐसे वाली क्रीम्स होते हैं ना कॉन्टूरिंग के लिए होती होती है, जो आई मास्क डार्क सर्कल्स को रिमूव करने के काम आ जाते हैं, दैट इज कॉल्ड योर वैनिशिंग क्रीम, ठीक है। मसाज क्रीम्स आ जाती है जो देखी होगी मोस्टली फेशियल में होती है, मसाज क्रीम, ठीक है, ये हो जाते हैं, नाइट क्रीम आ जाते हैं जिसमें थोड़ा सा मसाज किया और आपने नाइट में यूज कर लिया, बॉडी एंड ऑल पर्पस क्रीम्स हो जाती हैं जो इधर सिर्फ फेस के लिए नहीं, बॉडी ऑल पर्पस की, जैसे एंटीसेप्टिक क्रीम हो जाती है, ठीक है, बॉडी नॉर्मल डेली डे या रूटीन की जो क्रीम्स हो जाती है वो आ जाती है। सनस्क्रीन प्रिपरेशन मोस्टली हमारी यूज होती है। अब आ गए हम सनस्क्रीन प्रिपरेशन पे।
Sun is reaching the earth contains three types of rays. Visible, ultraviolet, infrared. जिसमें क्या हो जाती है 280 से 400 नैनोमीटर तक की जो हमारी रेंज है वो हार्मफुल होती है स्किन के लिए. To protect against these harmful rays, the sunscreen protection are used. These protection protect the skin from the deleterious effect of UV rays. कुछ sunscreen protection ऐसी होती है हमारी जो हम स्किन पे लगाते हैं तो जो हमारी UV rays है या सन की जो हार्मफुल रेज है वो हमारी स्किन पे नहीं पड़ने देती. That is called your sunscreen protection. अब आगे चलते हैं cosmetic for hairs. Cosmetic for hairs में क्या हो जाता है कि ऐसी preparations जो हमारी hair की health को improve कर सकते हैं. Before going to cosmetic for hair, let us discuss hairs होते क्या है. Hairs हमारी body का बहुत ही important part है. बिना hairs के ना तो कोई भी human being attractive लगता है. ठीक है, ये हमारे heads पे mostly होते हैं या all हमारी body पे. मेन फंक्शंस क्या होता है हेयर का कि हमारे स्कैल्प को यूवी लाइट से प्रोटेक्ट करते हैं. जस्ट लाइक अ कुशन है हमारी जो हेयर स्कैल्प पे है ना, ये जस्ट लाइक अ कुशन है जो हमारी बॉडी को हेयर्स को प्रोटेक्ट स्कैल्प को सॉरी प्रोटेक्ट करते हैं. इसमें आ जाता है हेयर की प्रोटेक्शन कौन सी बनती है, शैम्पूज. ये शैम्पूज क्या होते हैं, हेयर क्लीनिंग और ग्लॉसिंग कंडीशनिंग एजेंट के तौर पर यूज होते हैं. इसमें क्या होता है, वाटर बेस्ड प्रोडक्ट होती है जिसमें कुछ सर्फेक्टेंट्स यूज होते हैं एडिशनल सब्सटेंस यूज होने के बाद और ऑफ एडवांटेज होती है फ्री रिमूव हो सके. शैम्पू हैव द साइड इफेक्ट दैट दे गेट ड्राई. ठीक है, इसमें क्या हो जाता है, कुछ हम एडिटिव्स डालते हैं, कुछ एक्टिव डालते हैं, परफ्यूम डालते हैं, कलर प्रिजर्वेटिव डालने के बाद, टेक्निक एजेंट डालने के बाद ये हमारे शैम्पूज सर्फेक्टेंट्स रेडी हो जाते हैं. डिफरेंट टाइप ऑफ शैम्पू और पाउडर शैम्पू क्लियर लिक्विड शैम्पू के रूप में भी होते हैं, ऑयल शैम्पू के रूप में भी होते हैं, मेडिकेटेड शैम्पू के रूप में. ठीक है, अब आ जाते हैं हेयर फ्रेग्रेंस जो मोस्टली ओल्ड एज के लोग यूज करते हैं, पीपल्स यूज करते हैं. ठीक है, हाउ व्हेन द हेयर टर्न्स गेट ग्रे एट अ सर्टेन एज उस कलर को मेंटेन करने के काम में आते हैं हेयर फ्रेग्रेंस आपको. ठीक है, अभी तक दिशा जो मैं आपको करवा रही हूँ आपको क्लियर है? यस यस मैम. बहुत सारे शेड्स आ जाते हैं हेयर कलर्स में कि ब्लू कलर हो गया, पिंक कलर हो गया, गोल्डन कलर हो गया. ठीक है, तो एक आयुर्वेदिक में तो मोस्टली पुराने टाइम के लोग तो मेहंदी लगाया करते थे, वो भी एक तरीके से वो पुराने एंशियंट टाइम का था कि हेयर कलर्स है. यानी कि हमारे कभी एंशियंट टाइम में भी लोग कॉस्मेटिक्स को अवेल करते थे. ठीक है, एक हो जाता है कि शेविंग प्रिपरेशंस जो कि मोस्टली जेंट्स यूज करते हैं. शेविंग प्रिपरेशन आर प्योरली मेन कॉस्मेटिक. दिस प्रिपरेशन यूज फॉर शेविंग फॉर हेयर्स, हेयर रिमूव. ये एक तरीके से ना हेयर रिमूवल क्रीम भी होती है जिसमें मोस्टली आपने देखे होंगे शेविंग प्रिपरेशन तो ये होती है. जैसे कि ये आपकी होती है ना फेमिनाइन वाली क्रीम्स हो जाती है, वी वॉश टाइप की. Yes. ये लगा लो पर्टिकुलर, मेरे को एकदम नाम रिकॉल नहीं होना. ठीक है, ये कुछ भी ये एक तरीके से शेविंग क्रीम्स होते थे, मोस्टली मेंस यूज करते हैं. लेकिन कुछ ऐसे हो जाते हैं कि इससे क्या है कि कई बार लोगों को ना रेजर से यूज करना अच्छा नहीं लगता, या कई बार ऐसा होता है कि इतना डीप में क्या कट ही लग गया बॉडी को. उस केस में ये शेविंग प्रिपरेशन बनाए गए, मोस्टली तो मेन यूज करते हैं, पर आजकल फीमेल्स भी कुछ पोर्शन के कुछ बॉडी टाइप्स के लिए यूज करने लगते हैं. ठीक है, इस क्रीम्स में होते हैं मोस्टली कोकोनट ऑयल होता है, कॉस्टिक पोटैश होता है. ठीक है, सोडा वाटर सोड, ये कुछ केमिकल से मिलकर ये बनती है. ठीक है, उसके बाद होता है जब शेविंग कर ली, कहीं कट लग गया, कुछ रिएक्ट कर गया, तो उसके बाद आफ्टर शेव लोशन यूज होता है. उसका मेन काम क्या होता है, एक तो वो बॉडी को फेस को क्लीन करता है, फ्रेशनेस प्रोवाइड करता है. फ्रेशनेस प्रोवाइड करने के बाद क्या होता है, वो फेस पे जो होता है ना कई जर्म्स, कोई एंटीसेप्टिक कोई इफेक्ट तो नहीं कर रहा. So just take it kind of spirit, a glycerin के तौर पे citramide antiseptic water होता है ना, ये इन चीजों से मिलके बनता है. तो अभी तक ये आपकी हो गई शेव लोशन की कॉस्मेटिक. ठीक है, इसके बाद आप आ जाते हो नेल कॉस्मेटिक पे. ठीक है, नेल कॉस्मेटिक में आपने देखे होंगे, मैंने आपको प्रीवियस अभी बताया है, नेल लैकर्स हो जाते हैं, नेल थिनर, पॉलिश रिमूवर. हाँ हाँ, हेयर रिमूवर, हेयर रिमूवर कह रही सॉरी, नेल पेंट रिमूवर. हाँ, ये कुछ प्रिपरेशन अपने ना नेल्स को इम्प्रूव करने के लिए एक तरीके से नेल कॉस्मेटिक होगा. आई थिंक आपको इसमें इंटरेस्ट भी आ रहा होगा.
आपकी कुछ क्या है क्यूटिकल्स को सॉफ्ट करने के काम आते हैं, नेल रिमूवर, नेल व्हाइटनेस, नेल पीले होते हैं, किसी के देखते हैं ना नेल्स पीले पीले होते हैं, येलो इश होते हैं, तो उस काम में भी बहुत से कॉस्मेटिक्स ऐसी बनते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं जब आप इसे वाइड में डिस्क्राइब पढ़ेंगे, आप देख भी रहोगे मेरे साथ, तो मोस्टली आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा हो। इसमें मोस्टली क्वेश्चन पूछा जाता है डिफाइन कॉस्मेटिक्स, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्मेटिक्स, ठीक है, कितनी वाइड वैरायटी है उसके बारे में एक्सप्लेन की। अब हम करेंगे गुड डेंटल प्रोडक्ट। अच्छी नॉर्मल सी बात है, गुड डेंटल हेल्थ रहेगी तो पर्सनैलिटी अपने आप अच्छी रहेगी, है ना। तो गुड डेंटल हेल्थ इज सिंपल ऑफ गुड जनरल हेल्थ, हम स्माइल करते हैं कहीं अच्छा लगता है, तो हम मोस्टली क्या चाहेंगे कि हमारा ओरल हाइजीन और ओरल कैविटी मेंटेन रहे। उसके लिए क्या होगा, हमारे गम्स मजबूत होने चाहिए, गुड हेल्थ होनी चाहिए गम्स की। इसमें क्या है, कुछ टूथपेस्ट और टूथ पाउडर बने होते हैं, आपने मार्केट में देखे भी होंगे। इसको ना बुकिश मत लेके चलना अपने माइंड में, आप परसेप्शन मार्केट में लेके जाना, ठीक है, कि आप मार्केट सपोज करो कि आप टूथपेस्ट देख रहे हो, टूथ पाउडर देख रहे हो, उस तरीके से आप एक पिक्चर इमेज बना लेंगे ना, तो आपको ये कॉन्सेप्ट ज्यादा अच्छे से क्लियर हो, ठीक है। मैं मेंटेनेंस हम टूथपेस्ट और टूथ पाउडर क्यों यूज करते हैं मुझे जरा बता सकते हो? ओरल हाइजीन के लिए यूज करते हैं, ओरल हाइजीन के लिए भी यूज करते हैं, और जैसे होता है ना कुछ आते हैं कोलगेट व्हाइटनिंग टीथ की, तो आपने देखे होंगे है ना, वो क्या हो जाता है कि वो तो होगी ओरल हाइजीन, ठीक है, जर्म्स के लोग हैं, ये हो गया एक माउथ रिफ्रेश, रिफ्रेशनर की तरह यूज करते हैं, हां एक पर्सनालिटी भी अपनी जो होती है शाइनिंग टीथ हो गई, करते हैं अच्छे लगते हैं, तो ये हो गया एक तरीके से कॉस्मेटिक के लिए यूज हो गए, जो आपने देखा ना कोलगेट का व्हाइटनिंग टीथ की एड भी आती है देखा होगा, ठीक है, ये हो गए टूथपेस्ट और टूथ पाउडर आपके। फिर आ जाते हैं माउथ वॉश और गार्गल, ये मैं आपको डिफाइन बता चुकी हूँ, तो आई डोंट थिंक सो इसमें आपको रिक्वायर्ड है बताने के लिए, ठीक है। हाँ तो अभी तक जो मैंने आपको बताया है वो आपको क्लियर हुआ? यस सर। हाँ इसमें कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे इंपॉर्टेंस ऑफ कॉस्मेटिक, कॉस्मेटिक की इंपॉर्टेंस क्या है, डिफरेंट टाइप ऑफ कॉस्मेटिक, डेंटल प्रोडक्ट्स कितने टाइप के होते हैं एक्सप्लेन करो, स्किन केयर प्रोडक्ट्स क्या हो जाते हैं, ठीक है। ये आपकी हमने जो की है ना कॉस्मेटिक, ये आपकी हो गई है कवर अप, कौन सी यूनिट हुई है आपकी? 8 हुई, आर यू श्योर? यस मैम 8 यूनिट तक हो गया। हो गया, समझ आया, क्लियर हुआ आपको? समझ भी yes, आ गया हाँ, आया बिल्कुल। हाँ ये आपके मैंने आपको यूनिट क्लियर करवा दिए, ठीक है। अब आप कितने कैपेबल हो, कितना थके हो या नहीं थके ये बताओ? थक गए फिलहाल अभी। थक गए हो ना, कोई बात नहीं। यस सर। कोई आप इसको रिकॉल करो, ये कुछ यूनिट्स हैं आपकी 4, 5, 6, 7, 8, आज में हमने 4 यूनिट्स क्लियर कर लिए हैं, कल हमने 3 की थी, ठीक है। yes, मेरा मेन मोटिव है कि आपको क्लियर हो, ऐसा ना हो कि मैं करवा रही हूँ आप फर्स्ट को दो। नहीं मैम क्लियर हो रहा है, वही मैं चाहती हूँ कि आपको क्लियर होना भी, ठीक है। yes, कोई यही कीजिए आप, बाकी उसके बाद कोई खास न्यूट्रास्यूटिकल कुछ खास नहीं है, न्यूट्रिशन डाइट्स होते हैं, फूड प्रोटीन होते हैं, नॉर्मली हम एडवर्टाइजमेंट में भी देखते हैं, उसे आप करेंगे तो क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अगर आपको नोट्स चाहिए होंगे तो मैं आपको पीडीएफ शेयर कर दूंगी, अगर आपके हैं तो वेल एंड गुड है, ठीक है। तो आज की क्लास फिर हम यहीं पे ऑफ करते हैं दिशा, ठीक है, हैव अ नाइस डे, और अपना ये क्लियर करना, ठीक है, कॉन्सेप्ट अपना इन चीज़ों में, आई थिंक सो आपको क्लियर हो गया, ठीक है। ओके, गुड इवनिंग मैम, थैंक्स फॉर।